नमस्कार, जय श्री कृष्णा सर। नमस्ते सर। नमस्कार 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 नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सब लोगों को नमस्कार। चलिए बहुत अच्छा है, टाइम से आप लोग आगे सारे। हाँ तो कुछ कल पढ़ा था कुछ थोड़ा आप लोगों ने सर? कल एक्चुअली यस्टरडे मैंने क्लास नहीं कर पाया सर, मैंने आपको फोन भी किया था। एक्चुअली मेरा ग्रैंड मदर जो है उनका तबीयत सीरियस था, लास्ट 5 डेज से मैं विशाखापट्टनम में था सर। कल एक्चुअली बहुत लेट नाइट हो गया तो पेसमेकर एक लगा, हार्ट ऑपरेशन हुआ स्मॉल, और 2.1 कंडक्शन का थोड़ा ब्लॉकेज था तो सडन करना पड़ा सर। तो अभी अभी ठीक है? हाँ सर, शी इज फाइन नाउ। ओके सर, कल का थोड़ा हिंट्स ये कर लेंगे तो आज का टॉपिक थोड़ा 5 मिनट्स में सर। कल का नॉर्मली कुछ फॉर्मूलेस थे, ऐसा कोई मतलब समझाने वाली चीज नहीं थी, पर फिर भी मैं आपको वो फॉर्मूलेस एक जस्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा, फिर हम लोग कुंडली में चलते हैं। आप जस्ट उनको पढ़ लीजिए एक बार, ऐसी खाली। सर काफी सारा वीडियोस मेरा मतलब डिलीट हो गया सर, मतलब 18 तक थे वो फॉर्मेट के वजह से, डेस्कटॉप पे ही था, फॉर्मेट के वजह से डिलीट हो गया। 18 तक है सर, क्लास 18 तक है मेरे पास, उसके बाद से नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो उसको आप अंजलि को फोन कर लीजिएगा, वो आपको धीरे-धीरे करके दे देगी। कपल ऑफ टाइम फोन किया था, 2-3 डेज बैक एक्चुअली। तो अच्छा, मैं कल बात कर लूंगा उनसे, आज तो वो आई नहीं है, लेकिन कल वो आएंगी तो मैं बात कर लूंगा उनसे, दिलवा देंगे आपको। ओके सर, थैंक यू सर। हां ठीक है, आप मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। मेन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो ये जो इसमें लिखे हुए हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई खास मतलब चीज नहीं है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन चार्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है किसी भाव की स्टडी करते हुए कि इस भाव में राशि कौन सी है, ठीक है, शुभ राशि है या अशुभ राशि। दूसरा आपको यह ध्यान देना है, मतलब जो भाव बली होता है या भाव का बल जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत चीजों पे, कि भाव में कैसी राशि है, भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, भाव में कैसे ग्रहों की दृष्टि है, भाव में कोई उच्च ग्रह है या नहीं है, भाव को भाव का स्वामी देख रहा है या नहीं है, तो वो सब चीजों पर डिपेंड करता है भाव का बल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, जब भी किसी भाव की आप स्टडी करें तो ये भी देखें कि भाव में जो राशि है वो राशि कैसी है, शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि, नंबर वन। नंबर टू ये भी देखे उसके अंदर कि सप्तम भाव में उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ बैठे हुए हैं अशुभ बैठे हुए हैं, और अगर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो किस भाव के स्वामी हैं, ये भी नजर डाल लेना बहुत जरूरी है। कि सर, एक चीज में छोटा सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है, डाउट था सर, जब नवांश के पढ़ाए थे आपने, मैंने पढ़ रहा था, मुझे एक डाउट आया, आपने बोले कि सर कि उनका बल सिर्फ देखना है, सपोज वहां पर अगर भाव देखा जाए, सपोज फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सिक्स्थ हाउस में बैठ गया, वो भी हमको कंसीडर करना है सर नवांश में? ना 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 ना, ना। ओके सर, फाइन। हाँ वो नहीं कंसीडर करना आपको, वो सिर्फ बल देखना है। ओके सर, भाव के लिए कैसे देखते हैं मैं आपको आज बताऊंगा, नवांश वो डीरन चार्ट पे मैंने विभाव वाला नहीं बताया था, आज विवाह के लिए कैसे देखते हैं उसको मैं आज बताऊंगा, उसको आज हम करेंगे, ये कुंडली देखेंगे तो डीनन चार्ट को हम विवाह के लिए कैसे देखते हैं। तो सप्तम भाव मतलब किसी भी भाव में स्थित राशि को देखिए, भाव को देखिए, भाव का स्वामी देखिए, वो कहाँ है, किसके साथ बैठा हुआ है, किसके साथ युति है, किसकी दृष्टि है, और किस भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है,
शुभ कतरी में है या पाप कतरी में है ये चेक कीजिए, फिर उसका कारक देखिए, भाव भावेश कारक, कारक देखिए, कारक की स्थिति देखिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस भावेश की यानी भाव के स्वामी की और लग्नेश की स्थिति देखिए, एक्सिस देखिए क्या है कुंडली में, कि वो एक साथ का है, दो बारह का है, तीन ग्यारह का है, क्या एक्सिस है वो देखिए। छह आठ का एक्सिस नहीं होना चाहिए, छह आठ का एक्सिस है तो वो गड़बड़ होता है। और वही एक्सिस आपको लग्नेश और भावेश का एक्सिस आपको डी नाइन पत्रिका में भी देखना है। डी वन के जो लग्नेश और भावेश है उन्हीं का एक्सिस आपको डी नाइन में भी देखना है। समांश पत्रिका में फिर डी वन के अंदर आपको लग्नेश और कारक का एक्सिस देखना है कि लग्नेश जो है और कारक है उसका एक्सिस क्या है, और सेम आपको रिपीट करना है नवांश पत्रिका में कि लग्नेश और कारक का नवांश पत्रिका में एक्सिस क्या है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुंडली की एनालिसिस कैसे पूरी पूरी होगी। हम अभी एग्जांपल लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कि कैसे हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो कल मोटा मोटा मैंने ये बताया था कि शुरू में तो मैंने बताया था कि भाव भावेश और कारक तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसमें यह भी ऐड कर दिया है कि लग्नेश का और भावेश का एक्सिस, लग्नेश का और कारक का एक्सिस, डी वन और डी नाइन दोनों कुंडली में देखना भी आवश्यक है, तब उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाए। तो हम लोग इस पे ना ज्यादा समय करते हुए कुंडली पे चलते हैं। एक सेकेंड, सुमन जी कुंडली बोलिए, कौन सी कुंडली आई थी आपके पास सर? हाँ हाँ सर, प्रैक्टिस कुंडली जो आई थी, प्रैक्टिस कुंडली ना सर? एक सेकंड सर। सर 12 फरवरी 1996। एक सेकंड, 12 फरवरी 1996। हाँ सर, मकर लग्न का कुंडली है और सुबह 6:15 12 फरवरी 1996 6:15 AM पालमपुर, हाँ पालमपुर हिमाचल प्रदेश। हाँ तो इसमें मैंने क्या चीज देखने के लिए बोला था सर? सारे भाव बोला था सर, और फिर शादी का बोला था। सारे भाव बोला था और शादी का बोला था। हाँ जी, हाँ सर, ठीक है। तो जो पांच छह चीजें मैंने आपको बताई हैं, भाव भावेश कारक, लग्नेश और भावेश का एक्सिस, लग्नेश और कारक का एक्सिस डी वन में डी नाइन में, ग्रहों की स्ट्रेंथ डी वन में डी नाइन में देख के पहला भाव कोई बताने की कोशिश करेगा? हाँ सर, सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, बेसिक चीज। हाँ, सर जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का। हाँ, और अभी आपने अभी जब स्लाइड दिखा रहे थे तो आपने एक चीज बोली थी कि जिस भाव को एनालाइज कर रहे हैं उसमें ये भी देखेंगे कि उसमें जो राशि बैठी हुई है वो राशि शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि है। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी तक तो क्या जिस राशि का स्वामी अशुभ ग्रह है तो क्या हम उस राशि को भी अशुभ मानेंगे? मतलब जैसे जिन राशियों के स्वामी सूर्य मंगल या शनि है तो क्या वो राशि अशुभ मानी जाएगी? वो राशि भी मतलब रिलेटिवली थोड़ी खराब है बाकी राशि, रिलेटिवली खराब है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले भाव की स्टडी के लिए आप इसको स्टडी कीजिए। सबसे पहले तो अजय जी आप ही स्टार्ट कीजिए, भाव बताइए, भाव कैसा है? हाँ सर, कोशिश करता हूँ सर। सर इसके भाव को देखते हैं तो सर भाव में तो चीजें नेगेटिव ज्यादा दिखाई दे रही हैं पॉजिटिव के मुकाबले। इसकी राशि सबसे पहले देखते हैं तो 10 नंबर राशि है जिसका स्वामी शनि है जो कि अशुभ राशि मानी जाएगी जी। और भाव का भाव के जितने भी आपने पॉइंट बता रखे हैं कि भाव का स्वामी भाव में हो वो भी नहीं है, भाव के स्वामी की दृष्टि भी शनि की भाव पर नहीं है, भाव में कोई उच्च का ग्रह भी बैठा हुआ नहीं है, तो इन सब
इन सब पॉइंट्स को देखते हुए तो हम ये बोलेंगे, प्लस नेगेटिव पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें सूर्य बैठा हुआ है और राहु की और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कुल मिला के तो ये भाव वीक हो जा रहा है सर। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से भाव बहुत अच्छा है इनका। हाँ राशि शनि की है और शनि पड़े हैं सेकंड हाउस में, लेकिन सूर्य और बुध वहां पर है, तो सूर्य बुधातिथि योग है, तो ये आदमी जो भी होगा जातक तेजस्वी होगा, डिसिप्लिन होगा, और सूर्य स्थिर कारक है इस हाउस का जो अपने ही घर में है, तो इसकी पर्सनालिटी तो स्ट्रांग होगी। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। सर ये तो केंद्र त्रिकोण राजयुग जो है सेकंड हाउस में बैठे है, तो पहला चीज है शनिदेव और मंगलदेव बैठे तो माइंड में थोड़ा कंफ्लिक्ट करेंगे। पहला हाउस का जो है ओके ठीक है, तो मर्क्यूरी है एंड सन है जी। सन तो एनिमी साइन में है, अगर देखा जाए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से दिशावली होता है 10th हाउस में सूर्यदेव, जो कि मकर राशि में ही पड़ते हैं, तो सूर्य लग्न का भी कारक है शास्त्र के अनुसार, और यहाँ पर बुध और सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा है। और अगर लग्नेश को देखा जाए, लग्नेश केंद्र के स्वामी जो फोर्थ लॉर्ड लग्न लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड दोनों एक साथ है, तो कहीं ना कहीं ये धन का जो लग्न को जो है ना सर, लग्न को और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिए। सर मैं भाव भावेश कारक के बारे में एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर आप उसका प्रेडिक्शन हम लोग बोल देंगे। तो भाव का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो भाव में बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट इसमें नजर आ रहा है कि इसमें एक शुभ ग्रह बैठा है मरकरी, बस दूसरा कोई पॉजिटिव पॉइंट भाव की तरफ से नहीं है सर। और भावेश को अगर हम देखते हैं सर, तो भावेश के बारे में अगर हम देखेंगे तो भावेश के बारे में भी जो भावेश केंद्र त्रिकोण में भी नहीं है और D9 में तो थर्ड भाव में चला गया, सेकंड से थर्ड, तो और थोड़ा सा वीकर ही हुआ है सर। तो अगर भावेश का भी इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, केवल एक ही अच्छी बात है कि भावेश अपनी मूल त्रिकोण से 6-8 बारे में नहीं गए हैं, तो वो एक चीज थोड़ी सी संभलने वाली हुई है। बाकी भावेश भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जहां तक कारक की बात है तो कारक के बारे में कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं कि कारक एक तो क्योंकि खुद त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, जो कि इसके सूर्य जो हैं वो एक अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ भी प्रॉब्लम हो गई कि जब हम D9 देखते हैं तो 6th भाव में चले गए हैं, तो 70% ही उनकी स्ट्रेंथ रहेगी, 30% वो वीक हो गए हैं। कारक अगर देखेंगे तो अगर इसमें तीनों चीज भाव भावेश और कारक को देखते हैं, तो भाव भावेश और कारक के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट लग रहा है वो इनका कारक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सूर्य तो सूर्य के जो कारक तत्व हैं जैसे कि पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेफिनेटली इनकी अच्छी होगी, बुद्धि इनकी अच्छी होगी, व्यक्तित्व ठीक होगा, लेकिन जो पहले भाव के फल इनको एवरेज ही मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा तो मतलब कहने का ये है, हाँ हाँ हाँ, सूरज अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6th भाव में है, तो वो अच्छा नहीं है ना कारक के लिए। सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6th भाव में है, बिल्कुल ठीक बताया, तो सूर्य अपनी मूल त्रिकोण 6th भाव में गया है, तो अपने भाव के लिए, मतलब अपने भाव के लिए वो अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं उसके अंदर। हम ये कह रहे हैं कि सूर्य और बुध वहां साथ बैठे हैं, पहली बात तो ये कि शायद सुमन जी ने बोला, किसी ने बोला कि सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो सूर्य बुधातिथि योग बन जाता है। अगर वो त्रिकोण या लाभ भाव में, केंद्र त्रिकोण में लाभ भाव में हो, तो सूर्य बुध का एक योग बनता है, बशर्ते कि सूर्य से बुध अस्त ना हो। तो यहाँ सूर्य से बुध अस्त नहीं है, क्योंकि बुध सिर्फ 2 डिग्री का है और सूर्य 28 डिग्री का है, तो बहुत डिग्री में डिफरेंस है, तो ये सूर्य से बुध यहाँ पे अस्त नहीं है। ये देखिए आप, सूर्य से बुध यहाँ पे अस्त नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, तो ये तो योग बन रहा है, ये थोड़ा एक अच्छी बात है। दूसरी चीज ये, भावेश अगर देखें, इसका भावेश बनता है शनि, शनि दूसरे भाव में गया है, दूसरा भाव इतना गड़बड़ भाव नहीं होता, 6-8-12 भाव में नहीं गया, लेकिन अपनी राशि में गया है। हाँ जी, तो अपनी राशि में जाने से वो बलि हो गया भावेश। कारक अगर देखें तो कारक यहां बैठा हुआ है सूर्य,
सूर्य त्रिकोण में बैठा हुआ है तो ये ठीक है, लेकिन दमांस कुंडली में ये छठे भाव में चला गया तो कारक भी हल्का कमजोर हुआ। हाँ सर, सूर्य यहाँ तो ठीक है, कारक जो बैठा हुआ है यहाँ तो त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन दमांस कुंडली में जाके ये सूर्य के साथ सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है तो थोड़ा कारक कमजोर हुआ। तो कुल मिला के कुंडली जो है ये मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है। जी सर, ये इसके अंदर आप बोल सकते हैं क्योंकि कारक भी कमजोर हुआ है इसका। सर बुधातिथ्य योग में क्या होता है? सर बुधातिथ्य योग में जैसे उन्होंने बताया कि बच्चा बड़ा तेजस्वी होता है, उसका नाम होता है चारों तरफ, नाम फैलता है उसका, तो ये इसको योग का फल मिलेगा। जब भी सूर्य या बुध की दशा आएगी इसकी तो इसका नेम फेम इसका होगा, इसका नाम फैलेगा, इसका फेमस होगा ये बंदा, इसको वो सब कुछ मिलेगी, नेम फेम सब मिलेगा इसको। कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा ना सर इसका? कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा इसका, बिल्कुल अच्छा होगा सर। ये अगर सूर्य बुध का अगर 12th हाउस में बनता है सर, नहीं तब अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होता है सर। सर एक कुंडली है मेरे पास उसका, इसके बाद अगर थोड़ा एनालिसिस इंटेलिजेंस के ऊपर कर लेंगे चलिए उसके बाद वो कर लेंगे। सर थर्ड में हो तो सर कैसा है? थर्ड में अगर सूर्य और बुध हो, केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में सूर्य बुध का आदित्य योग बन सकता है अगर सूर्य बुध में अस्त ना हो आपस में, और किसी भाव में नहीं। अस्त में मतलब नहीं, तीसरे में नहीं, आठवें में नहीं, बारहवें में नहीं। कितनी राशि का फर्क, मतलब कितनी डिग्री का फर्क होता है तब अस्त नहीं होता है? 15 डिग्री, मतलब कम से कम 15 डिग्री का फर्क होना चाहिए तभी अपना अस्त नहीं होता है। हाँ, सूर्य बुध नॉर्मली सूर्य बुधाती योग बड़ी मुश्किल से बनता है क्योंकि सूर्य से बुध अस्त होता है नॉर्मली, लेकिन इस कुंडली में सूर्य से बुध अस्त नहीं है, बुध सिर्फ 2 डिग्री का है, सूर्य 28 डिग्री का है, 26 डिग्री का फर्क है, तो इसलिए यहाँ सूर्य बुधाती योग बन जाता है। तो ये ठीक है कि कारक भावेश की स्थिति देखें तो भावेश शनि जो है वो अपनी राशि में गया है और वहां D9 के अंदर वो थर्ड भाव में बैठा है। चलो ठीक है, थर्ड भाव कोई बुरा भाव नहीं है, वहां बैठा है तो भावेश इसकी स्ट्रेंथ ठीक है, इसकी 33% नंबर इसको आराम से मिलते हैं। कारक जो है सूर्य इसका वो यहाँ पर बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, D9 में वो छठे भाव में चला गया तो वहां थोड़ा सा कमजोर ये होता है, तो 30% नहीं तो एटलीस्ट 20% नंबर आप इसको दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अबव एवरेज इसकी कुंडली है इस बंदे की, नाम रहेगा अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी कुंडली में, इसको हम इसे बोल सकते हैं कि इसका ठीक लग जाएगा। दूसरा भाव बोलिए, क्या नाम है कोई आप से कोई? मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। दूसरे भाव के सामने शनि है, सर मैं बोलूं? नहीं, भाव में बैठे हैं तो भाव बली हो गया। बराबर है, सही सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दूसरे भाव बली हो गया, बली हो गया और इसके स्वामी शनि है, यहीं पे बैठे हुए हैं तो भावेश यहाँ पे बैठे हैं तो ये भी अच्छा है, लेकिन मंगल बैठे हैं अपने शत्रु के साथ। हाँ तो थोड़ा, चलो एक ग्रह का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रह साथ बैठा हुआ है तो इतना दिक्कत नहीं होती। कारक है जुपिटर बारहवें भाव में जाके बैठ गए हैं। हाँ अच्छा नहीं है, लेकिन नवांश कुंडली में जुपिटर त्रिकोण में आ गए हैं, नवांश में त्रिकोण में आ गए हैं और जुपिटर यहाँ D1 के अंदर भी बारहवें भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन बैठे अपनी राशि में, अपनी राशि में बैठे हैं। हाँ थोड़ा सा ये ठीक है, तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, खराब नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो धन की स्थिति इनकी अच्छी होनी चाहिए, धन ठीक होना चाहिए। हाँ आप में से कोई और बोलना चाह रहा था, आप बताइए। सर मैं बोलूं? सर बोलिए। हाँ सर, ये जो पर्सन का सर थोड़ा वाणी ये रहेगा, मतलब खराब रहेगा क्योंकि दोनों पाप एक जगह पे बैठ गए। बिल्कुल सर। और खान पान में जैसे हम फूड को सेकंड हाउस से देखते हैं, कुटुंब भाव और फूड का, उसमें अगर खाने में वो थोड़ा ज्यादा मतलब स्पाइसी फूड ये सब खाएंगे तो उनका पेट खराब होने का चांसेस है थोड़ा। बिल्कुल ठीक है, उनको थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा जिंदगी भर, ये प्रॉब्लम रहती है इनके साथ। हाँ सर। और ये आदमी कुटुंब से कलेश वगैरह भी करेगा क्योंकि मंगल शनि साथ में, इनका जब वाणी खराब है तो कुटुंब के साथ अगर ये सौम्यता के साथ अगर पेश आएंगे तो ठीक है, नहीं तो वाणी खराब होने के कारण से कॉन्फ्लिक्ट भी लगा रहेगा। देखिए बिल्कुल सही है, एक चीज मैं बता दूं इसके अंदर, आपका सोचना जो तरीका है बिल्कुल ठीक है। इसमें इतना ध्यान रखिए खाली कि एक प्लस पॉइंट इस चीज के अंदर है कि शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर मंगल और शनि यहाँ पर खाली होते और ये राशि 11 नंबर यहाँ पे ना होती तब आपकी बात बिल्कुल सही थी कि वाणी खराब होती, परिवार में अनबन होती,
वो सब कुछ होता है, क्योंकि दो ग्रह पाप ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि शनि अपने घर में बैठा हुआ है तो अपने घर को खराब नहीं होने देगा। मंगल बैठा हुआ है तो मंगल से वाणी जरूर उग्र होगी, ये जरूर है, लेकिन शनि अपने घर को खराब नहीं होने देगा, तो वो परिवार में अनबन वगैरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नहीं होगी और धन वगैरह सब ठीक रहेगा। और नेत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, आंखों से रिलेटेड? शनि अपने घर में बैठा है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगी। ओके, हाँ, अगर दोनों पाप ग्रह होते तब कुछ हम कह सकते थे कि नेत्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम इसकी हो सकती है, लेकिन दोनों पाप ग्रह इसलिए हम नहीं मानेंगे क्योंकि शनि अपने घर में बैठा हुआ है। ओके सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे कि सेकंड हाउस में मंगल बैठे हैं तो वो चतुर्थेश और लाभेश होकर के बैठे हुए हैं, हाँ, तो फिर उनकी उनकी मम्मी, अगर जो फोर्थ हाउस को वो करना है रिलेट, तो फिर उनकी मम्मी थोड़ी एंग्री वाली होगी, और शनि की भी थर्ड दृष्टि है तो थोड़ी डिसिप्लिन वाली होगी, है ना। और नवांश कुंडली में मंगल बैठे हैं अष्टम स्थान में और शनि बैठे हैं तृतीय स्थान में, तो फिर इसका, हाँ बिल्कुल बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हाँ, तो फिर इतना ही मैंने लॉजिक लगाया अभी तक सर। और आखिर में होगा शनि थर्ड में चला गया नवमेश में? हाँ, थर्ड में चला गया है, थर्ड को इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन छह आठ बारह में जाना तो अच्छा नहीं होता जी। मंगल चले गए हैं, मंगल आठवें भाव में गया, तो मंगल की स्ट्रेंथ कम हुई है, मंगल की स्ट्रेंथ कम हुई है ना, तो ये जब हम मंगल की हम बात करेंगे तब हम देखेंगे इस चीज को। जैसे चौथे भाव की जब हम बात करेंगे तो मंगल का भाव है, तब हम देखेंगे इसका भावेश कहाँ गया, डी नाइन में कहाँ गया, डी वन में कहाँ गया, तो चौथे भाव की बात करते वक्त हम ये सब चीज देखेंगे इसके अंदर। अभी हमारा जो पर्पज है दूसरे भाव का है, तो दूसरे भाव के लिए सिर्फ हमें इतना देखना है कि दूसरे भाव का जो स्वामी है वो किस नवांश में किस राशि में बैठा हुआ है, डी वन में किस राशि में बैठा हुआ है, उतना ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि डी वन में वो दो नंबर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, नवांश में वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, शनि ठीक है। और जहां तक बात है उस चीज की कि आपका कारक, कारक इसका होता है जुपिटर, जुपिटर भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, नौ नंबर राशि में, ठीक है, डी वन में बारह भाव में बैठा है, लेकिन वहां जाके त्रिकोण में चला गया नवांश में, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है जुपिटर भी, तो धन धान्य की स्थिति इसकी ठीक रहेगी, धन धान्य में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब तीसरा भाव बोलिए किरण जी, आप क्या तीसरा भाव में गुरु की राशि है, हाँ, उसमें बैठे राशि अच्छी है तो बढ़िया है, हाँ ठीक है, हाँ, विनस बैठे हुए हैं साथ में, और जुपिटर थर्ड और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है, और इसमें बैठे हैं नवांश में बैठे हुए हैं, जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए, पोजीशन अच्छी हो गई, थोड़ी स्ट्रांग हो गई उसमें, और विनस, विनस का लेना है क्या अभी सर? नहीं, नहीं, अभी नहीं, आप पहले, सबसे पहले आप जाइए, हाँ, सबसे पहले आप भाव पे जाइए, हम तीसरे भाव की स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो तीसरे भाव का सबसे पहले हम देखेंगे भाव, भाव कैसा है जी। तो भाव देखने के लिए हमने तीसरे भाव में देखा, तो हमने ये देखा तीसरे भाव में एक शुभ ग्रह है और एक अशुभ ग्रह है, ठीक है, भाव पे दृष्टि किसी की है सर? भाव में राहु केतु, राहु केतु एक्सिस है खाली, ठीक है, वही चीज है, दृष्टि किसी और की है बस सर, और कोई दृष्टि नहीं है भाव पे, लेकिन सर उच्च ग्रह बैठा हुआ है सर वीनस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, भाव में उच्च का ग्रह बैठने से भाव बहुत बली हो गया, भाव बली हो गया, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया, भाव में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो भाव आपका बली हो गया। अब भावेश देखिए, पराक्रमी होगा, अपना भाई बहनों से इसका बहुत प्रेम होगा, बाहर घूमने, हाँ, अभी भावेश चलते हैं, अभी तो भाव बली हुआ है, पहले भावेश चलते हैं, भावेश हो गया जुपिटर, बारहवें भाव में अपनी राशि में, अपनी राशि में बैठा हुआ है, बुरा नहीं है, और नवांश के अंदर भी त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोण अच्छा हो गया सर, तो भावेश भी ठीक है इसका। कारक लेते हैं मंगल, मंगल, मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है और नवांश में आठवें में चला गया, नवांश में आठवें में गया, तो कारक थोड़ा सा कम हुआ है हल्का, ठीक है, भाव पर शनि की थर्ड दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और चंद्र की दृष्टि है, तो भाव बली हुआ, भाव बली हुआ जी सर। सेकंड हाउस में मार्स भी कंबस्ट है सर, हाँ, मार्स कंबस्ट है, सूर्य से कंबस्ट है, अच्छा,
तो सर इसमें भाव भी अच्छा है और भावेश भी अच्छा है, बस मंगल के जो अपने स्वतंत्र कार्य तत्व है उसकी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा एग्रेशन कम रहेगा, थोड़ी फ्रेंडशिप कम रहेगी, और बाकी जो थर्ड भाव के अदर देन बेनिफिट्स हैं वो सब मिल जाएंगे सर। सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मंगल भी अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल नवांश कुंडली में नवे भाव आठवें भाव में चला गया है, लेकिन नवांश कुंडली में आठवें भाव में वो अपनी राशि में ही गया है। हाँ तो ये अच्छा हो गया सर, तो वो ठीक है, मंगल भी ठीक है। तो हम अगर भाव भावेश कारक देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाव के अंदर उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, भाव स्ट्रांग हो गया। भावेश जो है इसका जुपिटर वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, नवांश के अंदर त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो भावेश भी ठीक है इसका। कारक देखें इनका, कारक देखते हैं मंगल, मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है D1 चार्ट में, और नवांश कुंडली में वो आठवें भाव में जरूर है लेकिन वो अपनी राशि में है, तो इतना बिगड़ा हुआ नहीं है कारक जी इनका। लेकिन सर मंगल में, मंगल पाप ग्रह के साथ बैठा है और एक पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उसका फर्क नहीं, दृष्टि नहीं है, ठीक है सर, दृष्टि नहीं है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा भाव है तीसरा भाव इनका सर, तीसरा भाव इसका है पराक्रमी होगा, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, अधीनस्थ कर्मचारी खुश रहेंगे, खेलकूद में अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये सब चीजें इसकी भाव से मिल सकती हैं इसकी। कलाकार भी हो सकता है, आर्टिस्ट, कलाकार भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बंदा पेंटर है, आपने सही बताया, बिल्कुल कलाकार है, पेंटर है ये। इसमें शुक्र बैठा है उच्च ग्रह, इसलिए पेंटर। हाँ, नहीं, थर्ड भाव से कला भी देखते हैं ना, थर्ड भाव स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट है, ठीक है सर। अच्छा तो अब आप, अब हम जरा इसका देखते हैं छठा भाव पे, कोई बोलिए। मैं बोलूं सर? हाँ बोलो। छठा भाव सर इसका, अब इसमें छठे भाव पे जो हैं, अभी तक हमने तीन फार्मूले लगाए हैं, भाव, भावेश और कारक, अब छठे भाव पे आप फार्मूले लगाइए, भाव, भावेश, कारक, लग्नेश और भावेश की स्थिति, लग्नेश और कारक की स्थिति D1 में और D9 में, फिर देखिए क्या आता है। पेंसिल पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए सर। पहला तो है सिस्ट लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठे हैं, और लग्नेश और सष्टेश का जो स्थिति है वो 2-12 का है D1 में, हाँ D1 में सेकंड 12 रिलेशनशिप, हाँ जी 2-12, 2-12 D9 में, हाँ। तो ये दोनों चीज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है स्थिति का, तो कंपटीशन नेचर जो है थोड़ा कम रहेगा उनका, और कंपटीशन से थोड़ा दूर, मतलब अपने मन का ही वो जो काम करेंगे करेंगे, अगर कंपटीशन आ जाते हैं तो थोड़ा पीछे हटने जैसा उनका मन में थोड़ा संकोच तो रहेगा सर, मतलब कोई ना कोई आता रहेगा। पहले ऐसे कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें उसी से चलते हैं। अब हमारे, हमने 5 फार्मूले कर दिए, पहले 3 थे, हमने 5 कर दिए। पहले तो ये देखिए भाव जो हमारा है, भाव कैसा है, भाव पे किसी की दृष्टि है सर? भाव पे किसी का दृष्टि जुपिटर का है? जुपिटर का नहीं है सर, नहीं है सर, हाँ है सर, सातवीं दृष्टि है जुपिटर, सातवीं दृष्टि है, ठीक है। तो भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, हाँ है ना, भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो भाव ठीक ठाक है, वो भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाव का स्वामी कौन है? बुध, लग्नेश, बुद्ध जो है लगन में बैठा हुआ है, लगन में बैठा है सॉरी, हाँ अपनी राशि, मतलब मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। और बुद्ध नवांश कुंडली के अंदर देखें तो बुद्ध नवांश कुंडली में भी केंद्र में बैठा हुआ है, हाँ हाँ टेंथ हाउस में बैठा है, हाँ टेंथ हाउस में बैठा हुआ है, तो बुद्ध भी ठीक है इसका, भावेश ठीक है, और कारक देखें इनका, राहु की दृष्टि है, मंगल शनि, तो मंगल और शनि दोनों बैठे दूसरे घर में, हाँ पहले मंगल देख लीजिए, मंगल दूसरे भाव में बैठे, चलो मंगल एक, पहले मंगल देखिए, मंगल बैठा है दूसरे घर में सर, बुध वर्गोत्तम है ना दोनों इसमें, हाँ हाँ मंगल इधर D1 में बैठा है दूसरे में, और D9 में बैठा है आठवें घर, हाँ लेकिन अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ, हाँ तो मंगल कारक भी मतलब ठीक ठाक है इसका। अब लग्नेश और सष्टेश का एक्सिस देखिए, लग्नेश शनि और बुध, नहीं 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 सही हो रहा है, हाँ शनि लग्नेश है ना, और षष्ठेश बुध हुआ ना सर,
दो बारह का एक्सिस है। और नवांश में क्या एक्सिस आता है शनि बुध का? दो बारह का कैसे आ रहा है एक्सिस? देखो ना, शनि आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है। हाँ जी, तो दूसरे भाव से काउंट करो आप, इसको काउंट करोगे बुध कहाँ पर है तो बारहवां नंबर पे आएगा ना बुध। सम सप्तक हुआ थे सर, इसमें दो बारह हो या बारह दो, दोनों दोनों माने जाएंगे अगर? हाँ, दो बारह दो एक ही बात है, मतलब एक ग्रह दूसरे नंबर पे है, एक ग्रह बारहवें नंबर पे है। बुध से शनि दूसरे नंबर पे है और शनि से बुध बारहवें नंबर। डी नाइन में खराब हो गया सर, फिक्सेट हो गया। दो बारह भी खराब होता है, दो बारह भी खराब है, छह आठ भी, तो ये चीज खराब है सर, ये तो खराब हो गया सर बहुत। हाँ हाँ, अब आप बिल्कुल पॉइंट पहुंचे कि दो बारह होने से क्या हो गया कि मतलब लगन ही, लग्नेश से ही भावेश का जो एक्सिस है वो ही थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो ये भाव थोड़ा कमजोर हो जाता है इसका, छठा भाव। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, फिर आप देखिए लग्नेश और कारक का एक्सिस देखिए। लग्नेश कौन है? सूर्य और मंगल, शनि का और उसमें देखिए प्रवांश में, उसमें छह आठ का है सर, उसमें छह आठ का आ गया, ये तो खराब है, ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लग्नेश और कारक, लग्नेश और भाव का जो स्वामी है उसका एक्सिस जो है वो अच्छा नहीं है, तो ऐसे बंदे को, मतलब इस बंदे को हम ये कह सकते हैं कि भैया तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम रह सकती है, रोग ऋण रह सकता है, शत्रु तुम्हारे रह सकते हैं, ये भाव के रिजल्ट तुम्हें इतने अच्छे नहीं मिलेंगे छठे भाव के, क्योंकि छठे भाव में आपका स्थिति अच्छी नहीं है छठे भाव की। उसके तो सर, ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे या लग्नेश की और भावेश की दशा? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे, जैसे हृदयरंजन जी ने कहा था कि ये कंपटीशन से ढंग से नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम रहेगी इसकी, बिल्कुल वही बात है सारी चीजें, ये कंपटीशन वगैरह में पास नहीं हो पाएगा, इसने तीन बार कंपटीशन दिया है, तीनों बार बेचारा सात नंबर से पांच नंबर से रह गया है, यही प्रॉब्लम इसकी हो रही है, क्योंकि इसकी लग्नेश और भावेश उनका एक्सिस इनका गड़बड़ चल रहा है सर। ये आपने ये जो नया फार्मूला बताया है ना, इससे ही ये बात पकड़ में आई है, अदरवाइज तो ये देखने में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठीक ठीक है सब। हाँ हाँ, तो ये फार्मूला देखना बहुत जरूरी है, लग्नेश और भावेश का एक्सिस डी वन में डी नाइन में अगर दोनों जगह खराब हो जाता है तो समझिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, लग्नेश का कारक का भी। हाँ ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं गोचर में भी। अब गोचर में आइए, गोचर कुंडली कहाँ बनी हुई है? ये नीचे बनी हुई है गोचर कुंडली, ये वाली है। हाँ ठीक है, हाँ। तो गोचर कुंडली में देखिए लग्नेश और भावेश का क्या एक्सिस आ रहा है? सम सप्तक। लग्नेश आपका बनता है शनि, भावेश बनता है आपका नहीं मंगल और शनि, छठे का ना, छठे का, हाँ बुध। तो सर सम सप्तक हो गया ना? गोचर में समसप्तक है। हाँ जी, अगर गोचर के अंदर भी ये छह आठ बन जाता बाय चांस जिस समय, बहुत खराब हो जाएगा सर, तो समझिए कि बेड़ा गर्क हो जाता बेचारे का इसका, उस पर्टिकुलर समय पे। तो सर ये तो अभी इस सब, ये गोचर तो करंट का गोचर है, ये करंट का गोचर है, आज की डेट में जो ग्रह चल रहे हैं आपके वो इन भावों में चल रहे हैं। अच्छा, इनका कुछ उपाय नहीं होता? उपाय मैं बताऊंगा आपको, रेमेडी क्लास लूंगा एक, उसे बताऊंगा, एक सेकंड जरा ये पेन शेड। अच्छा, छठा भाव हमने देखा, इसके बाद आप में से कोई आठवें भाव की स्टडी करो इस तरीके से, पहले भाव देखो, फिर भावेश देखो, कारक देखो, फिर लग्नेश और भावेश का एक्सिस देखो, फिर लग्नेश और कारक का एक्सिस देखो डी वन डी नाइन में, फिर गोचर में एक्सिस देखो, ये छह पॉइंट देखो, भाव देखो पहले। कौन बोलेगा भाव के बारे में? सर मैं बोलूं सर? हाँ अजय जी, आपने बोल लिया, कोई और बोलिए। अनुपम है?
सर सर पांचवें भाव, सर पांचवें भाव से उच्च शिक्षा देखी जाती है? नहीं, आठवां भाव, आठवां भाव, आठवां भाव। अच्छा 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 ठीक है सर। तो आठवें भाव से पैतृक संपत्ति, मृत्यु के बारे में और साइंस वगैरह में रुचि, इन सब चीजों के बारे में देखा जाता है। तो आठवें भाव में इसका कोई ग्रह नहीं है, पांचवी राशि है, पांचवी राशि सूर्य है उसका स्वामी, और सूर्य बैठा हुआ है लग्न में। हाँ बोले बोले, ठीक बोल रही है आप मैडम, बोलो बोलो। मंगल शनि की दृष्टि है आठवें भाव पे। अच्छा देखिए, जुपिटर की भी है, मंगल की है सातवीं दृष्टि, जुपिटर की भी, एक दो तीन, मंगल की सातवीं, जुपिटर की नवी दृष्टि और मंगल शनि की सातवीं दृष्टि। अशुभ अशुभ ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, दो अशुभ ग्रह की दृष्टि है, दो अशुभ ग्रह की दृष्टि इस पर हो गई, तो भाव थोड़ा कमजोर हुआ। जुपिटर का भी दृष्टि है ना सर? नहीं नहीं, अनुपम को मैं बोल रहा हूँ, केवल अनुपम को बोलने दीजिए जी। तो इस पे ये अशुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया। और लेकिन एक, हाँ, एक फार्मूला मैंने आपको और बताया हुआ है ऑलरेडी कि भाव का स्वामी अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6-8-12 में जाए तो भी गड़बड़ होता है भाव के। हाँ, वो पहले भाव में चला गया स्वामी, तो पहले भाव में गया है ऐसा स्वामी, छठे में चला गया, लेकिन अपने से छठा गया है, त्रिकोण से छठा, ठीक है। अच्छा, अब अपने छटा गया है तो क्या हम यहाँ खराब मानेंगे इस चीज को, ये देखने वाली बात। तो ये ध्यान रखिए कि अगर अपने से छटा आठवां बारहवां त्रिकोण में जाता है तो उसे खराब नहीं मानते, तो यहाँ पे इसे खराब मत मानिए, ठीक है। त्रिकोण में सर मतलब केंद्र भाव 1-5-9 लाभ भाव में माना जाएगा। अच्छा नहीं, वहां माना नहीं, वहां नहीं माना जाएगा। अच्छा, सिर्फ त्रिकोण, सिर्फ त्रिकोण में, बस खाली त्रिकोण में जाता है तो वहां पे उसका इफेक्ट नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि आठवें भाव पे दो पाप ग्रहों की दृष्टि है मंगल और शनि की, लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा है कि वहां पे जुपिटर भी देख रहा है तो कुछ रिलैक्स कर रहा है, तो जुपिटर अपनी दशा में आठवें भाव में कुछ रिलैक्स करेगा। जब मंगल शनि की दशा आएगी तो वो आठवें भाव की रेड पिटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुपिटर अपनी दशा में थोड़ा सा वहां पे रिलैक्स करेगा। तो पहली बात तो ये कि मंगल शनि की दृष्टि होने से आठवां भाव थोड़ा कमजोर हो गया इनका। आठवें भाव से भावेश जो देखें तो भावेश सूर्य है, सूर्य लगन में बैठा है, ये अच्छा है। कारक देखें आठवें भाव का शनि है, शनि भी जाके लगन अपनी राशि में बैठा हुआ है, वो अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा हो गया। फिर भावेश देखें लग्नेश से, भावेश बनता है सूर्य, ये सर, सर, इसमें जो है शनि। हाँ सर, तो इसमें जो है वो हो गया दोबारा एक्सेस हो गया, लेकिन सर डी नाइन में सूर्य छठे भाव में गए तो उससे इफेक्ट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, कम थोड़ा कमती आएगा उससे। अच्छा, 4-10 का बन रहा है ना नौ। और सर जो कारक है, कारक इसका शनि है, तो शनि जो है और जो लग्नेश है वो भी, अच्छा लग्नेश भी शनि है तो उसके साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शनि शनि नहीं है, वो एक ही अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है। लग्नेश और भावेश का एक्सिस क्या बताया आपने, इसके अंदर बताया 2-12 का और D9 कितना है? 4-10 का, 4-10 का एक्सिस तो अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना इतना फर्क इस पर हो गया कि भाव आपका पीड़ित है, भावेश आपका अच्छा है, कारक आपका अच्छा है, कारक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारक इस भाव का कौन होता है? शनि। शनि ठीक बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, लग्नांश के अंदर भी वो क्या नाम है, अपने मित्र की राशि में गया हुआ है, तो कारक भी ठीक है, भाव भी ठीक है। भावेश में प्रॉब्लम है, भावेश में प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है? भाव में सर, भाव में, भाव में प्रॉब्लम है, सॉरी, क्योंकि भाव को मंगल और शनि दो दिख रहे हैं। तो 33% और 33% अगर हम लोग लगाएं भाव भावेश कारक का, तो 33% नंबर इनके कम हो जाते हैं इसके आठवें भाव में। यस सर, एक चीज बताइए, इन जनरल अगर किसी किसी घर में, किसी भाव में कोई कोई ग्रह ना हो तो वो अच्छी बात है या वो अच्छी बात है? अच्छी बात, वो अच्छी बात है। कोई ग्रह ना हो या तो वो शुभ है या अच्छा है कि ना ही हो। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि दो अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो एक मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से ये आठवां भाव जो है वीक हो रहा है इसका। लेकिन इसमें बेहतर ये हो गया है थोड़ा सा, आठवां भाव वीक हो रहा है। अगर हम मंगल खाली इतना देखें कि मंगल शनि की दृष्टि है तो हम कह सकते हैं कि भाई मंगल और शनि की दशा के अंदर इस भाव के फल गड़बड़ मिलेंगे। मंगल शनि की दशा में पारिवारिक कलह होगी, पीड़ा होगी, मृत्यु कारक कष्ट हो सकता है, पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है,
ये सब चीजें सारी हो सकती है मंगल शनि की दशा में, क्योंकि मंगल और शनि इस भाव को खराब कर रहे हैं। तो जब भी मंगल शनि की दशा आएगी तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर होगी, आठवें भाव के अंदर। लेकिन ये अच्छा है कि मंगल शनि की दशा के बावजूद भाव को भावेश ने बचा लिया है, क्योंकि भावेश इसका त्रिकोण में चला गया है, तो भावेश ने इंप्रूव किया है इस भाव को, तो थोड़ा कम रिजल्ट खराब होंगे इसके। जुपिटर जो है इसका, जुपिटर और सन की जब दृष्टि की वजह से सर उनकी दशा में ये संभाल लेंगे सर, उसमें संभाल लेंगे सर। इसको भी अष्टमेश का दोष भी नहीं लग रहा है सर? नहीं, अष्टमेश का दोष नहीं लग रहा है, तो इसलिए लगन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब हम लगन का जिक्र करते हैं ना, लगन भाव को डिस्कस करते हैं, तो अभी कहते हैं लगन में अष्टमेश बैठा हुआ है, लेकिन लगन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अष्टमेश सूर्य है और सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। और सर गोचर में थोड़ा सा ठीक हो गया, क्योंकि इसपे जो है मंगल की दृष्टि हट गई है गोचर में। हाँ, गोचर में क्या एक्सिस आ रहा है इनका? लेकिन 2-12 का एक्सिस नहीं, 2-12 का नहीं। लग्नेश आपका शनि है और ये आपका षष्ठेश आपका सूर्य है। सर 2-12 का है, 2-12 भी हट गया, 2-12 का जो था वो भी है 2-12 का। नहीं, गोचर में कहा शनि सूर्य में? गोचर में नहीं, गोचर में नहीं है, बस हाँ, हाँ, गोचर में एक ही नेगेटिव है कि शनि देख रहा है। सर 2-12 ही है ना सर सूर्य? 2-12 ही तो है, 12वें में सूर्य। हाँ 2-12 है, 2-12 है सर, शनि 10 में है और ठीक है, शनि पहले भाव में और सूरज 12वें भाव में। हाँ 12 हो गया, इसमें 2-12 का एक्सिस आ गया इसके अंदर। तो फिर इस भाव को कंक्लूड कीजिए अनुपम, इस भाव को कंक्लूड करो थोड़ा सा, भाव भावेश कारक और एक्सिस बोल के एक बार दोबारा कंक्लूड कर दो सारा भाव। भाव पे ओवरऑल तो ये फिर नेगेटिव ही, हां मंगल और शनि की दृष्टि है जो नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो वो एक हो गया। दूसरा 2-12 का एक्सिस हो गया, वो एक नेगेटिव है, और D9 में ठीक है, क्योंकि D9 में 4-8 का एक्सिस है, 4-10 का, 4-10 का, तो यही एक मेन नेगेटिव है कि D1 में शनि और मंगल की जो दृष्टि है और 2-12 का एक्सिस, दो चीज। तो सर इसको प्रेडिक्ट क्या करेंगे, मतलब अपन उस इंसान को क्या बोलेंगे इस भाव के बारे में? इस बार देखिए, अब हम बताता हूँ तो क्या, वही मैं कंक्लूड करने की बात कर रहा हूँ इसका। इसको हम बोलेंगे, देखिए भैया आपके भाव पे 2 पाप ग्रहों की दृष्टि है मंगल शनि की, नंबर 1, एक तो ये चीज थोड़ा नेगेटिव है, नंबर 2 इस भाव में ये जरूर है कि भाव का स्वामी त्रिकोण में गया है, तो थोड़ा भाव ठीक हुआ है। भाव का जो कारक है वो आपका बनता है शनि, शनि भी दूसरे भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा ठीक बनता है। तो ये जरूर है कि हम ये कहेंगे कि हाँ भाई नुकसान तो इस भाव में है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है, मतलब मृत्यु कारक कष्ट तो होंगे लेकिन मृत्यु कारक कष्ट नहीं होगा, ये इसके अंदर है। रोग होगा लेकिन एक दीर्घ रोग नहीं होगा, ये इसके अंदर चीज है, तो ये थोड़ा सा रहेगा इसके अंदर, चूंकि एक्सिस भी ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इस व्यक्ति को भाई तुम्हें जो है कोई ऐसा मृत्यु कारक कष्ट नहीं है, तुम्हें ऐसा कोई पैतृक संपत्ति में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बट मंगल और शनि की दशा जब तुम्हारी आएगी तो उसमें थोड़ा खास ख्याल तुम्हें रखना है कि उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, कि मंगल शनि की दशा में कि कहीं कुछ तुम्हें रोग हो जाए, या तुम्हें कोई तुम्हारी पारिवारिक कलह बढ़ जाए, या तुम्हें कोई कष्ट हो जाए, उस बारे में जब मंगल शनि की दशा है तब तुम्हें ध्यान रखना है। हल्दो जब जुपिटर की दशा आएगी तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा अपने। ये शनि इसके कारक हैं सर, अगर अपनी दृष्टि कारक अपने भाव पर डालता है तो वो नहीं कारक से लेना देना नहीं है, अशुभ भाव की दृष्टि अशुभ ही होती है। ठीक है सर। सर इसमें एक चीज और दिख रही है थोड़ी सी, शनि का जो डिग्री है वो 29 डिग्री 29 मिनट है। हाँ। वो मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो एक था, तो सर उसका भी विचार करना है? हाँ उसका विचार कर सकते हैं, शनि का इसलिए इसमें विचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शनि का जब हम फल शनि का देख रहे होते हैं स्पेसिफिकली, या तब थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि भाई इसके भाव की, जैसे पहले भाव की स्टडी कर रहे होते तो हम कह सकते थे कि भाई पहले भाव का स्वामी शनि है, दूसरे भाव में चला गया है, लेकिन वो दूसरे भाव में है तो अच्छा, बट 29 डिग्री का है तो इसलिए उसका असर इतना रहा नहीं, वो उसके लिए मान सकते हैं। ठीक है ना, जब उस भाव से संबंधित स्टडी करें। इसके लाभ भाव में राहु पड़े हैं, लाभ भाव में ये इसका जो D1 चार्ट है, भाग्य भाव में, भाग्य भाव में, 9th हाउस राहु है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बोला अच्छा कि खराब? लेकिन बुध की राशि में है तो मित्र की राशि में बैठे हैं ना। देखिए राहु केतु का एक चीज आप ध्यान रखिए,
कि राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में हो, अगर राहु केतु अगर केंद्र और त्रिकोण में हो तो वो अच्छे होते हैं। अच्छे हाँ वही मैं कहता ठीक है। तो राहु नवे भाव में यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, राहु की दशा में अच्छे रिजल्ट। तो नवे भाव का अगर हम देखें तो नवे भाव का स्वामी बनता है, नवे भाव में राहु बैठा है, वीनस की दृष्टि है, ये अच्छा है। नवे भाव का स्वामी जो बनता है वो बनता है बुध। बुध जो है वो कहाँ गया है? लगन में बैठा हुआ है, त्रिकोण में अपने से पांचवा गया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो भी अच्छा है। कारक बनता है गुरु, गुरु गया है अपनी राशि में, बारहवें घर में अपनी राशि में है, वो भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है इसके अंदर। सर लेकिन सर इसमें सर केतु की भी दृष्टि है सर, और मंगल की भी दृष्टि है सर, और राहु बैठा है सर। हाँ अभी उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, ठीक कह रहे हो आप। केतु देखिए, राहु केतु तो एक्सिस हो गया, ठीक है ना, ठीक है। राहु केतु एक्सिस में आ गया ये, तो राहु तो सीधी बात है, राहु के सामने अपोजिट केतु तो होना ही होना है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मंगल की दृष्टि आप ले सकते हो एक ग्रह की। वैसे दोनों है ना, एक जुपिटर अच्छे ग्रह की भी है। हाँ तो उससे वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है सारा। हाँ न्यूट्रलाइज हो गया ना, वो मतलब ही नहीं रहा। हाँ वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाँ। तो नवा भाव इनका अच्छा है। भाव पहला भाव हमने देखा कि भाव में राहु बैठा हुआ है, खाली त्रिकोण में बैठा है राहु, तो त्रिकोण में राहु अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु केतु एक्सिस है, शुक्र की दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है, तो दो भाव शुभ ग्रहों की दृष्टि है, एक मंगल की दृष्टि है, थोड़ा सा उसमें चलो एक ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो शुक्र और बृहस्पति दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो भाव अच्छा है। भावेश इसका त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो भावेश भी अच्छा है। कारक इसका जो बनता है गुरु, गुरु बैठा हुआ है अपनी राशि में, तो कारक भी अच्छा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी भाग्यशाली होगा, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा, कहीं कोई ऐसा काम करेगा जहां भाग्य इन्वॉल्व है तो सफलता उसे मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता से संबंध उसका अच्छा होगा, उसमें कहने की कोई मतलब वो ऐसी वाली बात उसके अंदर है नहीं। लग्नेश, हाँ लग्नेश और भावेश का एक्सिस अगर देखें तो लग्नेश बनता है हमारा शनि, भावेश बनता है बुध, दो बारह है। अगर डी नाइन में चेक करें आठ का बनता है, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे डी नाइन में। हाँ डी वन में 2-12 का है, वहां पर 6-8 का एक्सिस है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इसके अंदर, इसने रिजल्ट से कमजोर कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा मतलब भाग्य में ठीक है, भाग्य अच्छा जरूर होगा लेकिन कमी रहेगी उसके अंदर। पिता के साथ रिलेशंस में भी थोड़ी कमी रह सकती है, पिता के साथ रिलेशंस को थोड़ा बना के रखो, अच्छे रिलेशंस बना के उनके साथ रखो, थोड़ा उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस खराब हो गया भावेश का। सर एक क्वेश्चन वापस रिपीट करना पड़ रहा है सर, कि जैसे आपने बताया था कि दो पाप ग्रह की दृष्टि अगर होती है तो उसको अच्छा नहीं मानते सर। हमने राहु को तो हमने चलो मान लिया कि राहु त्रिकोण में होता तो अच्छा, इसलिए उसे हम पाप ग्रह का नहीं मान रहे हैं। लेकिन सर पर मंगल और केतु की दो पाप ग्रह की दृष्टि होगी, उसको तो बेकार मानना ही पड़ेगा सर, या केतु और राहु को एक ही मानते हैं सर? केतु राहु को एक ही मानते हैं ना। अच्छा। वो एक ही एक्सिस होता है। मंगल की दृष्टि हम मान रहे हैं कि मंगल दृष्टि वहां पर हो गई, उसके साथ साथ वीनस और जुपिटर की दृष्टि भी वहां पर है, तो वहां ये अच्छी दृष्टि ज्यादा हो गई और कम दृष्टि केवल मंगल की मानी जाए, केतु को नलीफाई कर देते हैं राहु के साथ, वो राहु साथ नलीफाई हो गया, राहु केतु एक्सिस हो गया बेसिकली। ठीक है सर, ठीक है ना। तो वो राहु केतु एक्सिस तो हर कुंडली में होता ही है राइट, वो तो एक दूसरे को देखते ही हमेशा, वो तो हमेशा देखते ही है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ जैसे चंद्रमा है, अगर केतु बैठा होता हमारा चौथे भाव में तो हम कह सकते थे केतु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। अच्छा, और राहु अगर यहाँ से निकल के त्रिकोण से निकल के सपोज किसी दूसरे भाव में सपोज छठे भाव में पहुंच जाता तो हम उसको बोलते हैं राहु भी खराब हो गया और पाप ग्रह की दृष्टि भी हो गई, पाप ग्रह दृष्टि हो गई, या तो राहु अच्छा है इसलिए नहीं मानेंगे उसको। हाँ ठीक है, तो ये इसके अंदर उसमें आ गया। दसवां भाव, इसका कर्म स्टडी कीजिए जरा, प्रोफेशन कैसा होगा इसका? सर शुभ ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रह की राशि है तो भाव तो बली हो गया जी। सर ये आदमी जो अभी है बहुत मतलब मूडी होगा, लेकिन होगा अच्छा आर्टिस्ट तो अच्छा है, पेंटर है ये, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि पड़ी है और चंद्रमा पड़ा है, तो आर्टिस्ट हमेशा मूडी होते हैं, थोड़े मतलब मूड के हिसाब से उनका काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट अच्छा है, पेंटर है ये लड़का, बड़ा अच्छा पेंटर है, वन ऑफ द बेस्ट पेंटर में काउंट होता है ये। और यहाँ पे भावेश तीसरे भाव में गए हैं, भावेश इनका तीसरे भाव में है, केतु के साथ है राहु की दृष्टि।
राहु केतु एक्सिस में है भावेश, राहु केतु एक्सिस में है बुध, ये शुक्र, शुक्र हाँ, तो ये थोड़ा खराब हुआ। अति योग कार, पूर्ण योग कार्य है कौन? सो शुक्र, हाँ शुक्र पूर्ण योगकारी ग्रह है, केंद्र दोनों के सामने है जी। हाँ लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम में थोड़ा सा ये हुआ है प्रोफेशन में, कि प्रोफेशन भाव में चंद्रमा बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुभ ग्रह की राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रोफेशन भाव को कोई देख भी नहीं रहा, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा मूल त्रिकोण नहीं, वो अभी उस भाव, चंद्रमा के भाव पे नहीं आ रहा, दसवें भाव पे, तो दसवां भाव, भाव ठीक है। भावेश को देखें तो शुक्र हमारा, भावेश हमारा कमजोर हो गया, वो वीनस एक तो नवांश कुंडली में भी छठे भाव में चला गया सूर्य के साथ, और यहाँ राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो भावेश कमजोर हो गया, तो भावेश के 33% पॉइंट जो है हमारे कम हो जाते। एक कारक को देखें तो कारक हमारा दसवें भाव का कौन होता है? बुध ले लेते हैं या शनि ले लेते हैं? शनि को ले लीजिए, शनि अपनी राशि में गया है तो कारक ठीक है, मतलब टोटल 100 में से 66% मार्क्स इसको मिलते हैं। तो बुध भी देखेंगे सर? बुध भी देख लीजिए, यहाँ का कारक है ना, दोनों कारक है, बुध त्रिकोण में चले गए, बुध त्रिकोण में चला गया, बुध तो दोनों में अच्छा है सर, D1 और D9 दोनों में। हाँ तो ये ठीक है, मतलब 100 में से 66% नंबर इसको मिलते हैं कि कहीं तुम्हारे दसवें भाव के लिए, प्रोफेशन भाव के लिए। अब प्रोफेशन भाव के स्वामी का और लग्नेश का एक्सिस देख लेते हैं कैसा है, कि मामला तो नहीं अटका हुआ, लग्नेश है शनि, प्रोफेशन भाव का है शुक्र, दो बारह का एक्सिस हो गया, D9 में देखिए 4-10 का एक्सिस है, अच्छा एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में गोचर में देखिए क्या एक्सिस चल रहा है, ये दो बार आ गया हाँ जी गोचर में ना, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 66% दे सकते हैं, 66% दे सकते हैं, लेकिन D1 कुंडली में गोचर में भी आज की डेट में 2-12 का एक्सिस हो रहा है, तो और लग्नेश हाँ इसके अंदर भी 2-12 का एक्सिस हो रहा है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको हाल फिलहाल में चल रही है प्रोफेशन भाव से संबंधित, क्योंकि इसका एक्सिस लग्नेश का और दशमेश का एक्सिस इसमें ठीक नहीं है D1 चार्ट में, और लग्नेश और दशमेश का एक्सिस गोचर के अंदर भी ठीक नहीं आ रहा है, इसमें गोचर में थोड़ा ठीक हो जाएगा एक्सिस अगर लग्नेश दशमेश का कुछ समय बाद, क्योंकि गोचर में तो ग्रह चेंज हो जाएंगे, तब ठीक हो जाएगा, प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम कहेंगे जो 66% फल मिलने हैं तो उसे पूरे फल मिलेंगे, अभी से पूरे 66% फल नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि गोचर के अंदर भी एक्सिस इसका खराब हो गया है लग्नेश भावेश का। सर लग्नेश कारक का एक्सिस भी देखेंगे D1 में? लग्नेश कारक एक्सिस भी देखिए, वो भी 2-12 है, वो भी 2-12 है, हाँ गोचर D9 में। कहने का मतलब यह है कि हमारे रिजल्ट आए थे 66% भाव भावेश कारक के हिसाब से, लेकिन वो 66% रिजल्ट कम इसलिए हो गए क्योंकि D1 के अंदर और D गोचर के अंदर दोनों में वो एक्सिस खराब हो गया उसका। सर इसमें क्वेश्चन है, D9 में भी 6-8 है, D9 में 6-8 है, 6-8 है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। इसमें जैसे प्रोफेशन अभी जैसे 66% की बात कर रहे हैं, अभी अगर गोचर को छोड़ दिया जाए, बीच में ऐसा भी होगा कि गोचर अच्छा भी होगा, तो हमको ये इसमें बताना है कि किस लेवल का प्रोफेशन होगा इसका, मतलब लेवल एक तो पेंटर हो गया, आर्टिस्टिक तो हो गया, लेकिन वो भी अलग अलग लेवल पे होता है, जैसे MS हुसैन था वो भी पेंटर था, तो वो लेवल कैसे हम इसमें ढूंढेंगे पता चलेगा हमको, लेवल तो डिपेंड करता है लेवल तक जा सकता है आदमी। हाँ अगर दसवां भाव इसका बहुत स्ट्रांग होता, दसवां भाव का स्वामी वहीं बैठा होता, दसवां भाव का कारक भी बहुत स्ट्रांग होता, दसवां भाव का भावेश भी बहुत स्ट्रांग होता, तो हम कह सकते थे कि एक्सिस भी अच्छा होता, तो हम कह सकते थे कि भैया MF हुसैन लेवल का तो नहीं, चलो हर आदमी उस लेवल का नहीं होता, पर बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, लेकिन इसका अगर आप देख रहे हो मोटा मोटा चीजें तो थोड़ा एक्सिस में गड़बड़ी आ रही है, मार्क्स जरूर 66% में इसको मिले हैं, लेकिन एक्सिस देखिए तो एक्सिस में गड़बड़ आ रहा है इसके, तो हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का पेंटर है ये, कोई बहुत हाई क्लास पेंटर नहीं है, पेंटिंग करता है लेकिन मीडियम लेवल का पेंटर है। दसवें भाव को कोई और भी स्टडी कीजिए, कोई हृदय रंजन जी आप स्टडी कीजिए दसवें भाव को। सर टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है सर
उनके साथ वीनस का भी सॉरी केतुदेव का भी कंजक्शन है, जो कहीं ना कहीं प्रोफेशन को भी थोड़ा मतलब इतना भी जैसे बोलते हैं ना सर, एक प्रोफेशन के अंदर डूब जाना, उसको एक इंटरेस्ट और एक नशा जैसा करना, तो उस टाइप का फीलिंग्स में थोड़ा तो कमी आ सकता है बिकॉज ऑफ कंजक्शन विनस एंड केतु, तो ये थोड़ा। और सिक्स एट एक्सिस है, कहीं ना कहीं सिक्स एक्सिस जो है प्रोफेशन को कभी कभी क्या होता है, नहीं ये छोड़ देता हूँ, इस टाइप का फीलिंग्स तो रहेगा। और मून है सर, मून जो है वो सॉरी सेवेंथ लॉर्ड है, टेंथ हाउस में बैठे हैं, जो सेवेंथ लॉर्ड जो है वो टेंथ हाउस में जब भी बैठते हैं ना सर, कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब जैसे सेंटीमेंट जैसा भी थोड़ा फीलिंग्स ज्यादा रह जाता है सर उनका। इज इट करेक्ट सर? नहीं, ठीक बोल रहे हो आप, ठीक बोल रहे हो। इसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये थोड़ा परेशान है अभी फिलहाल, इमोशन इमोशन है थोड़ा। और कहीं ना कहीं सेवेंथ लॉर्ड जो है सॉरी टेंथ हाउस में बैठे हैं, और जो टेंथ लॉर्ड है वो भी सिक्स एट एक्सिस में है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन का रिलेटेड वो तो अच्छा है, मगर खुद के लिए वो उनका मेंटल जो उसके ऊपर जो एक ये रहता है ना सर, बैलेंस रहता है कर्म और मेंटल सेटिस्फेक्शन, उसी में काफी टाइम्स मतलब गड़बड़ी ही दिखाता है सर थोड़ा बहुत। है तो कर रहे हैं, एक जैसे कि मैं कर रहा हूं तो कुछ मतलब कुछ एर्न करने के लिए, उस टाइप का वो फीलिंग्स थोड़ा बहुत वो कराएगा सर। बिल्कुल ठीक है, उसके मन में यही है, मतलब थोड़ा सा वो अभी हल्का सा कह रहा था कि साहब मुझको पेंटिंग में करता हूँ, अच्छा पेंटर हूँ मैं, सब कुछ है, लेकिन मतलब आज कुछ अब ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बात कर लिया, मुझे करना नहीं है, छोड़ दूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो हमने कहा नहीं भाई छोड़ो मत, आप काम करते हो तो आप काम करते हो, छोड़ेंगे भी नहीं सर। हाँ छोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे सर, एक शुभग्रह भी बैठे हैं सर, कहीं ना कहीं उसको मतलब एक टाइम में मेंटल उनको सेटिस्फेक्शन में कमी आ जाएगा, उसके बाद फिर से वो चेंज होते होते जाएगा सर, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं सर, बस चेंज करते करते कभी कभी थोड़ा अच्छा लगेगा, कभी थोड़ा बुरा लगेगा, इस टाइप का होके होके अल्टीमेट थोड़ा उसी में ही आ जाएंगे सर, मगर छोड़ेंगे। इसके विवाह के बारे में पूछा था कि आजा जी हम लोगों ने, कि विवाह कैसा रहेगा इसका? नहीं, इसमें नहीं, दूसरी कुंडली में पूछा था सर। सर जब हम दसवें भाव की स्टडी करते हैं प्रोफेशन के हिसाब से, तो क्या सर हमें इसको ग्यारहवें के साथ जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि ग्यारहवा जो है कमाई का और लाभ का भाव है, तो क्या सर हमें प्रोफेशन और इसको एक साथ देखना चाहिए या इंडिपेंडेंट है दोनों? नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस देखना चाहिए, जब प्रोफेशन का देखो तो आप प्रोफेशन का देखो कार्य, तो जब लाभ का प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन से जो अर्निंग है वो भी फिर इसी से देखेंगे दसवें से ही, कि कमाई कैसी होगी? नहीं, वो ग्यारहवें से देखेंगे। हाँ सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर तो दोनों से ही लाभ मिलता है ना, जैसे कर्म। देखिए ऐसा होता है कि प्रोफेशन आप काम कर सकते हो दस रुपए का, हो सकता है कि दस रुपए काम करके आपको अर्निंग मुश्किल से छह रुपए की, वो बहुत वो चांसेस आपके होते हैं, इसलिए दोनों को इंडिपेंडेंट देखते हैं कि कर्म आपका कैसा है, आप प्रोफेशन से सुखी हो या नहीं हो, वो सब चीज तो देखते हैं, लेकिन अर्निंग कैसी हो रही है प्रोफेशन से आपको, वो ग्यारहवें भाव से देखते हैं। जी सर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए ये पेंटर है और हो सकता है ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, लेकिन हो सकता है उसमें अर्निंग अगर ग्यारहवां भाव अच्छा है या नहीं है, उसके हिसाब से अर्निंग उससे हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो शायद उससे। हाँ, अब ग्यारहवां भाव चेक कर लीजिए इसका। जी ग्यारहवां सर मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ग्यारहवें में आठवीं राशि है और आठवीं राशि है मंगल की, मंगल दृष्टि। आठवें भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, शुभ ग्रह कोई बैठा नहीं है, नहीं शुभ एवरेज हो गया नहीं है जी, अशुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं, अशुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, तो एवरेज हो गया सर। अशुभ ग्रह दो की दृष्टि सर, केतु और मंगल की सर, और मंगल की, मंगल की नहीं, मंगल की नहीं है, एक नहीं है, केतु की है, केतु की नहीं, मंगल की तो नहीं है, केतु की है। हाँ तो एक ग्रह से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब भावेश देखिए, भावेश कौन है इसका, मंगल वो सर शनि की है, शनि की है दसवीं दृष्टि, शनि की दृष्टि है ना, शनि हो गई,
दो पाप ग्रह की दृष्टि हो गई। भावेश मंगल हुआ जो दूसरे घर में बैठा है और शनि की राशि में बैठा है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव शनि की दृष्टि है इस घर पे। मतलब ठीक बताया कि भाव पे दो पाप ग्रहों की दृष्टि है, केतु की और शनि की, ठीक है। तो भाव कमजोर है, कोई डाउट नहीं है। भावेश इसका दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, एक पाप ग्रह है ना। लेकिन शनि जो है, मैंने आपको बताया था पीछे अभी कि ये देखिए कि शनि अपने कौन है, त्रिकोण राशि में बैठे हैं ना। शनि जो है, पीछे मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था ये वाला, कि चार्ट याद करना है, तो मैंने ये कहा था कि अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो भावेश, तो ये चेक कीजिए वो अशुभ ग्रह किन भावों का स्वामी है। तो भावेश मंगल जो इसका बनता है वो जरूर अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। लेकिन शनि यहाँ पे लग्नेश है, और लग्नेश का जो होता है वो ये होता है कि लग्नेश जिस ग्रह के साथ बैठेगा या जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, उस ग्रह की वृद्धि करेगा। तो मंगल की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मंगल का नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ शनि के साथ बैठने से। तो इसको पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम से अच्छा रहेगा, ऐसा अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब ये जो भावेश है वो अच्छा है। कारक देखें, इसका कारक कौन बनता है, वो जुपिटर होता है। कारक अपनी राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और वहां भी D9 में भी त्रिकोण बैठा हुआ है, कारक भी अच्छा है इसका, तो ये भी ठीक है। लग्नेश का और लाभेश का एक्सिस कैसा है? दो बारह नहीं है सर, दो बारह नहीं है, नहीं D9 में, D9 में भी नहीं, दो बारह। तो 66% रिजल्ट इसको मिल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दो ग्रहों की दृष्टि है। तो हम कह सकते हैं भाई, जब कभी केतु की दशा आएगी तेरी या तेरी शनि की दशा आएगी, तो उस दौरान तुझे इनकम में प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश के अंदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पहले ही बोला था। उसमें गोचर में देखिए 3-11 गोचर में 3-11 का है वो, ठीक है। और D1 चार्ट में, D1 में तो समसप्तक है ना, समसप्तक साथ ही बैठे हैं। D1 में तो मंगल D9 में खराब हो गया, दूसरे घर में सर D9 में खराब हो गया, तो D9 में खराब हो गया। गोचर में भी ठीक है और D1 में भी ठीक है, तो D9 में खराब होने से रिजल्ट में थोड़ी कमी आएगी, मतलब वही 66% पे ही रहेगा, वही 66% रह गया सर रेट। तो हाँ, जैसे प्रोफेशन का सर दसवां घर है, तो D10 चार्ट जो आता है, हाँ, तो D10 चार्ट से हमको क्या पता चलेगा, और एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, वही बता देता हूँ। देखिए सर, शनि मंगल के शत्रु हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं, शनि मंगल के शत्रु जरूर हैं, लेकिन शनि लग्नेश है, लग्नेश जहां बैठेंगे वहां की वृद्धि करेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि करेंगे, उस ग्रह के भावों का जो फल है उसमें वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। तो लग्नेश वहां बैठा हुआ है तो ये अच्छा है। मतलब मैंने आपसे ये कहा था पीछे के चार्ट के अंदर कि अशुभ ग्रह साथ बैठा हो तो एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि अशुभ ग्रह कहीं लग्नेश तो नहीं, कहीं लाभेश तो नहीं, कहीं भाग्येश तो नहीं, क्योंकि वो तो वृद्धि करने वाले हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिए, वो मैंने आपसे कहा था इसके अंदर। अच्छा, अब मैं आपको D9 चार्ट का अभी हाँ, पहले D9 चार्ट देता हूँ, फिर D10 चार्ट बताऊंगा, जब आपको मैं कर्म भाव फल पढ़ाऊंगा तब D10 चार्ट पढ़ाऊंगा, अभी मैं D9 चार्ट भी आपको बताता हूँ। अभी देखिए विवाह के बारे में, इसका देखिए विवाह के बारे में हमने बात करी है शायद इसकी, नहीं अभी तक नहीं करी, नहीं करी सर। हाँ, जैसे आपने बोला कि लग्नेश जहाँ बैठेंगे वहां वृद्धि करेंगे, हाँ, तो क्या 6-8-12 में बैठेंगे तो उन चीजों की भी वृद्धि कर देंगे? बिल्कुल, वृद्धि मतलब उनका पॉजिटिव वृद्धि कर देंगे, मतलब उनके खिलाफ जैसे मान लो छठे में हो गया तो लड़ने की ताकत दे देंगे, या दुश्मन खत्म हाँ, हाँ, हो जाएंगे, हाँ, मतलब हाँ, नहीं होंगे दुश्मन, नहीं होंगे, कर्ज आसानी हाँ, से मिल जाएगा, लोगों से बिल्कुल, लड़ने बिल्कुल, की शक्ति बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाहे जैसे इस कुंडली के अंदर शनिदेव मतलब एक पाप ग्रह माने जाते हैं, यही पाप ग्रह अगर छठे में बैठ गया, आठ में बैठ गया, तब भी सेम ही रिजल्ट रहेगा? तब भी सेम रहेगा, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने के बाद वो पापत्व जो है इनका खत्म हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है। हाँ, ये बस थोड़ा ध्यान रखिए, लग्नेश और भाग्येश होने के बाद पापत्व कम हो जाता है, वो ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसमें D9 चार्ट में, पहले चलिए हमें विवाह की बात करते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने विवाह के लिए?
क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिर्फ विवाह के बारे में बात करें। अच्छा, विवाह के बारे में बात कीजिए, कैसा कैसा विवाहित जीवन होगा उसका, डेट ऑफ बर्थ इसकी 96 है सर। ये चार नंबर, मतलब यहाँ पे लिखा है चार नंबर कर्क राशि का है और चंद्रमा बैठा है शुक्र हाउस में, टेंथ हाउस में शुक्र की राशि में, और शुक्र यहाँ का स्थिर कारक है, तो इन्होंने मतलब इस प्लेस चेंजेस हुए हैं। सब भाव पे दो पाप ग्रह की दृष्टि है, केतु की और सन की। हमने पूछा है विवाह कब होगा, ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, सातवीं दृष्टि है, सूर्य की भी सातवीं दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, एक शुभ ग्रह की बुध की दृष्टि है। हाँ, मतलब दो से अधिक ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो खराब भाव पे वीक हो गया, वीक हो गया। भावेश चंद्रमा देखिए केंद्र में है, बलि होगा, केंद्र में बैठा हुआ बलि हो गए। सर लेकिन अपने मूल त्रिकोण से छठी में बैठे हैं सर भावेश, नहीं चौथे में बैठा है, चौथे में। सर इनका प्रोफेशन में कहीं ना कहीं वाइफ का इन्वॉल्वमेंट है, त्रिकोण तो इनकी दो नंबर है ना सर, चंद्रमा बराबर है, त्रिकोण से छठे में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण से इसके भावेश। सर पांचवे भाव का नुकसान करेंगे इसका, एक 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 करके बोलिए बोलिए बोलिए, अजय जी आप बोलिए पहले। सर बस ये था, इसके भावेश को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो भावेश इसके केंद्र में गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अपने मूल त्रिकोण से छठे में बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अब इसका ये मैं ये समझ में नहीं आ रहा सर, वो फिर कौन से भाव की नुकसान करेंगे, का नुकसान करेंगे या दसवें का, मूल त्रिकोण तो इसकी या सातवें का, चंद्रमा की मूल त्रिकोण तो वही है ना, चार ही है ना, एक ही राशि है चंद्रमा, दो नंबर वो उच्च की राशि है क्या, नहीं तो वो तो दो राशि दोनों एक ही है ना, मूल त्रिकोण और उच्च की एक ही है ना चंद्रमा की, ठीक है ना सर। हाँ बताओ बताओ बताओ, ये सही है, एक ही राशि है, मूल त्रिकोण भी उच्च भी, तो वही तो मूल त्रिकोण कहाँ से हो गए, वो तो चार नंबर कर्क राशि एक ही राशि है, तो एक ही राशि है, मूल त्रिकोण तो अलग हो गई, जो है वही मूल त्रिकोण राशि है, इनको इनकी वाइफ इनके प्रोफेशन के साथ में मिलने वाली है, या वो वही सेम प्रोफेशन की होगी, नहीं वो तो ठीक है प्रोफेशन के साथ मिलने वाली है, वो तो आपकी सही बात है, बात चल रही है इनकी, सर मूल त्रिकोण उच्च एक ही है, चंद्रमा की एक ही है, कौन सी राशि है चंद्रमा की, दो नंबर है ना सर, वृषभ राशि में उच्च का है, मूल त्रिकोण भी वही है, मूल त्रिकोण दो नंबर तो शुक्र की राशि है ना, दो नंबर मूल त्रिकोण और उच्च का है, और वहां उच्च का राशि है छठी में बैठा है सर, हमने तो यही लिखा हुआ है सर, ये सही है, पर उल्टा चंद्रमा की बुध की सेम है ना सर, इसकी दो नंबर राशि वहां पे पड़ी है पांच पांचवे स्थान पे, तो अच्छा ही होने वाला, मेरे को लगता है इनकी वाइफ अच्छी आएगी। हाँ अभी हम शादी पहुंच गए, अभी तो हम पहले स्टडी कर रहे हैं, अभी वाइफ पे देख लेते हैं कि शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सर, कहने का मतलब सर ये पॉइंट क्लियर करिए, जो चंद्रमा सर ये तो बता दीजिए, मूल त्रिकोण उच्च की राशि सप्तमेश है, जो चंद्रमा है तो चंद्रमा की तो मूल त्रिकोण राशि तो है ही नहीं, एक ही राशि है उसकी, वही मूल त्रिकोण समझ सकते हैं उसको, मूल त्रिकोण राशि इसकी वृषभ ही मानी जाती है, इसकी मूल त्रिकोण राशि वृषभ भी मानी जाती है चंद्रमा की, और उच्च राशि भी इसकी वृषभ भी मानी जाती है, छठे में बैठा है सर। हाँ तो वहां से छठे में बैठा हुआ है, तो अभी क्या है, अभी हम ये देखते हैं कि भाव तो हमारा, भाव पे तो हमारी दृष्टि किस किस की थी, सातवें भाव पे पूरे बुध और केतु, मतलब इसमें तीन ग्रहों की पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो भाव तो हमारा कमजोर हो, ठीक है, भाव का स्वामी जो है वो भी थोड़ा केंद्र में जरूर गया है, लेकिन अपने से छठे में गया है, तो वो भी थोड़ा कमजोर हो गया। भाव का कारक जो है शुक्र बनता है, शुक्र तीसरे भाव में बैठा है, राहु केतु एक्सिस में बैठा है, वो भी कमजोर हो गया। तो होता क्या है कि इस बंदे के रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते हो नहीं पा रहे हैं इसके, काफी बड़ा परेशान है ये कि जी शादी में, और शुक्र भी सर 6-8 एक्सिस पे है उसमें सप्तमेश से, बिल्कुल 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 जी। तो तीनों कमजोर हो गए सर ये, एक सेकंड का किसी का मैसेज आया है, हाँ तो भाव आपका कमजोर हो गया, भावेश आपका कमजोर हो गया, चूंकि अपने छठे में चला गया, कारक जो है वो कौन बना इसका, सातवें भाव का शुक्र बना और राहु केतु एक्सिस में आ गया,
और छह कारक आठ जो है सूर्य देखो अगर नवाज कुंडली में तो वो भी छठे भाव में चला गया है सूर्य के साथ, तो वहां भी वो पीड़ित है कारक, ठीक है। और लग्नेशकार भावेश का एक्सिस देखिए, शनि और चंद्रमा 9-5 का है सर, 5 मैसेज है, वो तो इतना खराब नहीं है। डी नाइन में देखिए दो बार है सर, दो बार है, वहां भी वहां गड़बड़ हो गया डी नाइन के अंदर। तो अब क्या है कुल मिला के, मतलब इसके विवाह के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों को देख लड़कियां का रिलेशन वो आते हैं, रिश्ते आते हैं या इससे ये देखने जाते हैं, लेकिन बात इनकी बन नहीं पा रही। गोचर में खराब है, गोचर में भी खराब है, दो बारह गोचर में दो बारह आ रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शनि और चंद्रमा का गोचर में भी दो बारह आ रहा है। तो अब क्या हो, चांसेस क्या है, क्या हम ये कहें कि भाई आपका विवाह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, वो वाली बात तो नहीं आ रही कि विवाह नहीं होगा, लेकिन विवाह में प्रॉब्लम तो होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि तीनों चीजें गड़बड़ है, भाव भी गड़बड़ है, भावेश भी गड़बड़ है, कारक भी गड़बड़ है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि विवाह के अंदर इसके प्रॉब्लम होनी होगी। अब विवाह कब होगा ये वाली बात थी, तो विवाह कब होता है, तो वो हम देखते हैं कि विवाह होने के लिए दशा भी होना जरूरी है। भाई विवाह तो जब ही होगा ना जब विवाह की दशा होगी, विवाह भाव की दशा क्या होती है, दशा को तो आपको मैंने बताया है दशा। अब देखिए विवाह दशा कौन सी होती है, शुक्र की दशा में सर, शुक्र की दशा में, शुक्र की दशा में या तो हो और लड़की या गुरु की दशा में, सातवें भाव में, सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, सप्तमेश, सातवें भाव के स्वामी की दशा हो, शुक्र की दशा हो, या नवांश कुंडली में जो लगन है उसकी दशा हो, उनकी दशा में, या नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव है उसमें बैठे ग्रह की दशा हो, तो शादी हो सकती है। अभी कैसे दशा चल रही है इनकी, शनि में राहु चल रही है, तो राहु ना तो सातवें भाव में बैठा, राहु एक्टिव कर रहा है सातवें भाव को, नहीं कर रहा है ना, सातवें भाव में बैठा है ना, सातवें भाव को देख रहा है ना, सातवें भाव का स्वामी है राहु, ना ही डी नाइन कुंडली में लगन में बैठा है और सातवें भाव में बैठा है, तो कहने का मतलब ये दशा इनको सपोर्ट नहीं कर रही है विवाह के लिए, अभी दशा ही सपोर्ट नहीं कर रही है विवाह के लिए, तो विवाह इनका इसलिए भी नहीं हो पा रहा क्योंकि दशा भी नहीं है इनकी अवेलेबल। शनि में जुपिटर जब आएगा तब देखिए क्या ये सेवंथ भाव एक्टिव होगा, नहीं सर डी नाइन के हिसाब से हो सकता है सर, कैसे देखो मैं डी नाइन आपको पढ़ना बता देता हूं, अब डी नाइन पढ़ना सीख लीजिए, बाकी सारे चार्ट ऐसे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है डी नाइन चार्ट शादी के लिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेन से नोट कर लीजिए ये सब चीजें, आपको जब आज बाकी कुंडली तो नहीं हो पाएगी, बाकी कुंडली हम करेंगे जब नेक्स्ट टाइम पे, तो सब चीजें दोबारा से विवाह वाला हम पूरा करेंगे। डी नाइन चार्ट पढ़ने के लिए पहले तो डी नाइन चार्ट में ये देखिए कि लगन में राशि कौन सी डी नाइन के, और डी नाइन के लगन में राशि अगर डी वन के छठे आठवें बारहवें भाव की राशि है तो विवाह में प्रॉब्लम होती है। डी वन के छठे आठवें, डी वन के छठे आठवें बारहवें भाव की राशि अगर डी नाइन के लगन में हो तो विवाह में समस्या होती है, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है ये देखिए। तो हमेशा डी नाइन चार्ट देखते वक्त सबसे पहले देखिए कि डी नाइन चार्ट में लगन में राशि कौन सी है, उसके बाद देखिए सप्तम भाव, ये सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, या सप्तम भाव का स्वामी जो है वो कहां गया है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है या छठे आठवें बारहवें भाव में गया है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपने नोट किया कि डी नाइन में हम पहला ये देखेंगे कि लगन में जो राशि है क्या वो डी वन के छह आठ बारह की तो नहीं, ये नोट कर लिया, नहीं है सर इसमें तो नहीं है, नहीं है। दूसरा चीज हम देखेंगे कि जो डी नाइन में सातवां भाव है उसका स्वामी वो किस भाव में गया है, हाँ सिक्स हाउस में चला गया, छठे हाउस में चला गया, तो ये नुकसान है, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डी नाइन में
कारक जो है, कारक कौन है शादी का? शुक्र। शुक्र वो भी शुक्र है, वो किस भाव में गया? वो भी छठे में गया सर। छठे में, वो भी छठे में गया। फिर देखेंगे कि डी नाइन में जो कारक है उससे सातवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? कोई नहीं है सर, खाली है। खाली है, खाली है। उसका स्वामी कौन है? मंगल। नहीं मंगल नहीं है, मंगल नहीं है सर, जुपिटर। जुपिटर है वो अपने ही, वो तो वो बैठा है पांचवें में, बैठा है त्रिकोण राशि में। त्रिकोण में, त्रिकोण में बैठा। नहीं नहीं एक मिनट, सातवें भाव से क्या बोला? देखिए ऐसा है ना, मैं बताया आपको, फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। डी नाइन चार्ट में आपको पहली बात तो ये देखनी है कि डी नाइन चार्ट में राशि कौन सी, लगन में, लगन वाली राशि जो है वो 6, 8, 12 की राशि नहीं होनी चाहिए डी वन के, नंबर वन। नंबर टू, डी नाइन में आपको ये देखना है कि सेवंथ भाव में कौन सा, सेवंथ भाव का स्वामी वो कौन से भाव में गया है डी नाइन के अंदर, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, लाभ भाव में गया है तो अच्छा है, 6, 8, 12 में गया है तो वो गड़बड़ हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट इसके अंदर हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, हमें चेक करना है कि डी नाइन में कारक किस भाव में गया है। कारक जो है शादी का वो वीनस होता है, शुक्र। वीनस को देखिए कि वो किस भाव में गया है, 6, 8, 12 में गया है या केंद्र त्रिकोण में गया है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आप चेक कीजिए कि डी नाइन में कारक से सप्तम, कारक से सातवां भाव में कौन सी राशि है, कारक से 12 नंबर राशि है, ठीक है। 12 नंबर राशि कहीं डी वन के 6, 8, 12 की राशि तो नहीं? 12 में जुपिटर, 12 नंबर राशि मतलब गुरु, इसमें इसमें डी वन में तो नहीं है 6, 8, 12 में, 12 नंबर, नहीं नहीं नहीं, 12 में जुपिटर, 12 में ना, 12 मुझे लग रहा है मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बात को नोट नहीं कर रहे हो शायद। राशि नोट करने के लिए बोल रहा हूं। हां हां, नोट करने के लिए बोल रहा था मैं। चलो चलो आप सुन रहे हो, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से नोट कर लेंगे या समझ लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, समझ रहे तो लिख ले बात। हाँ, इसको फिर लिख लेना। सबसे सर्वप्रथम डी नाइन चार्ट स्टडी करते वक्त आपको देखना है कि डी नाइन में लगन में कौन सी राशि है, वो डी वन के 6, 8, 12 की राशि नहीं होनी चाहिए, नंबर वन, ये देखना है। नंबर टू, आपको देखना है कि डी नाइन में सातवें भाव का स्वामी कहाँ गया है, डी नाइन के सातवें भाव का स्वामी, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो अच्छा है, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, वो एक चीज इसके अंदर है। थर्ड देखना है डी नाइन में कारक कहाँ पे गया है शादी का, जो शुक्र होता है, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, अच्छे भाव में हो अच्छा है। फिर देखना है कारक से सप्तम भाव में कौन सी राशि है, कारक में क्या आपको बोल रहे हो, सेवंथ हाउस, कारक से सेवंथ, तो कारक आपका वीनस हो गया, तो वीनस से सेवंथ में हुआ राशि जुपिटर की, जुपिटर डी वन में भी 12 में वो, हाँ, तो कारक से सप्तम में जो राशि है वो राशि कौन सी है, वो डी वन के 6, 8, 12 की राशि तो नहीं? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, ये पॉइंट आपको चेक करने हैं हर वर्क चार्ट पर। मतलब ये सर, इसमें जो डी नाइन का लग्न है, हाँ, और डी नाइन का कारक है, हाँ, वो हमको सिर्फ डी वन में देखने हैं, वो डी वन में देखने हैं, बाकी वाले डी नाइन में ही देखने हैं, बाकी डी नाइन में देखने हैं आपको। सर इसको थोड़ा पीपीटी में बना के दिखा देंगे क्या? ये लास्ट वाला पॉइंट सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ, देखिए मैं बताता हूँ सर। हाँ, जो आपने कहा कि मान लीजिए वो डी नाइन का हमें ले लेना सप्तम का हो गया जी, वो 6, 8, 12 में हो गया, एग्जांपल एज्यूमिंग के हो गया, अब कारक हो गया वो भी 6, 8, 12 में हो गया, एज्यूमिंग 6, 12 हो गया, और इसी तरह जो उससे सेवंथ हो गया वो लाभ में चला गया, या चलिए मान लीजिए केंद्र त्रिकोण में या 6, 8 में चला गया। ओवरऑल नटशेट क्या हुआ कि इसका मतलब जो आउटकम रहेगा, ही विल बी डिस्टर्ब थ्रू आउट हिज लाइफ। बिल्कुल, अच्छा, अज्यूमिंग सर के ही विल बी डिस्टर्ब थ्रू आउट हिज लाइफ, राइट सर, इन स्पाइट ऑफ जो डी वन के अंदर उसके मजबूत दिखा रहे हैं वहां पे, मतलब वहां पे हमें उल्टा दिखा रहा हो, मजबूत हो सिचुएशन, दैट इज इन केस ऑफ ओनली मैरिज, मैं मैरिज की बात कर रहा हूं खाली। हाँ जी, हाँ जी सर, आई अंडरस्टैंड सर, डी वन में थोड़ी मजबूती है, लेकिन नाइन में क्या कहते हैं वो कम्प्लीटली वहां पे हो गया, डाउन हो गया, तो हम वैनिश हो गया, तो फिर खत्म हो गया, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ चाहे वो मैचिंग करके भी कर ले तब भी वो दुखी रहेगा, ऐसा मान के चले? नहीं नहीं, मैचिंग करने से अलग चीज है, मैचिंग का तो अलग पॉइंट है। अच्छा, मतलब ये है कि उसका
D9 में खराब अगर उसका हो गया तो उसके विवाह में बहुत समस्या रहेगी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगी उसके। तो मतलब आपस में रहेगी कि डिले रहेगा, इसको किस कैटेगरी में लेंगे? इसमें देखिए कैटेगरी में क्या है इसके अंदर, पहली बात तो यह कि विवाह होने में प्रॉब्लम, कि विवाह होने में डिले रहेगा बहुत ज्यादा, रिश्ते आएंगे रिश्ते हो नहीं पाएंगे, वो प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा अगर मान लिया रिश्ता हो भी गया, शादी हो भी गई, तो वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, ये ऐसे आदमी के जीवन में समस्या रहेगी। तो कुंडली जब मैचिंग करते हैं तो हमेशा ये चीज भी देखते हैं, खाली कुंडली मैचिंग में अस्कूट मिलान नहीं देखते कि वर्ण देख लिया, वर्ष देख लिया, वो मैत्री देख ली, उसके बाद उसका गुण मिला दीजिए, 28-36 में से 18 गुण मिलते हैं। पहले ये भी तो चेक करो कि भैया इसका D9 में क्या चार्ट है, क्या नहीं है, हिसाब किताब इसका। अगर ऐसा रहेगा तो वो हमेशा के लिए वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा उसका। सर सर हाँ, इसका मतलब यह है कि D9 चार्ट को वैसे तो हमेशा 30% वेटेज देते हैं, लेकिन जो शादी के केस में D9 सुपरसीड करेगा D1 को, तो उसमें D9 की स्ट्रेंथ ज्यादा देखी जाएगी। शादी के केस में D9 को इक्वली वेटेज देनी है आपको, क्योंकि शादी का हम शादी के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है सर। सर आपने जो लास्ट पॉइंट बोला था वो एक बार मुझे एक्सप्लेन करिए ना। हाँ देखिए मैं बता, हाँ तारक से सातवां जो आप बता रहे, देखिए ये देखिए पहला पॉइंट मैंने बोला कि D1 में जो लगन में राशि होनी चाहिए, लगन में कौन सी राशि है, एक नंबर ठीक है। हाँ। वो D1 के 6-8-12 की नहीं होनी चाहिए, तो D1 में 6-8 भाव में 3 नंबर राशि है, 8वें भाव में 5 नंबर राशि है, उसमें भाव में 12 नंबर राशि बराबर, ठीक है ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा मैंने बोला D1 का सप्तम भाव चेक कीजिए फिर आप, सप्तम भाव का स्वामी कौन बना, सप्तम भाव का स्वामी बना शुक्र, वो चला गया छठे में, वो चला गया छठे में, तो ये नुकसान हुआ थोड़ा। ठीक है अच्छा उसके बाद मैंने कहा आपसे कि D1 के कारक को देखिए, कारक कौन देखिए, कारक कौन है, शुक्र है, वो छठे में चला गया, तो ये नुकसान हो गया। यस सर। ठीक है फिर मैंने कहा आपके कि कारक से सप्तम देखिए, कि कारक जब शुक्र है 7 नंबर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुरु आ गया, 12 नंबर राशि आ गई। हाँ जी। तो कारक सप्तम में कौन सी राशि है, 12 नंबर राशि है, गुरु की राशि है, गुरु की राशि है। हाँ। 12 नंबर राशि कहीं 6-8-12 की राशि तो नहीं है D1 की, ये मैंने कहा चेक करने के लिए आपको। नहीं है, नहीं है तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, 6-8-12 की राशि नहीं है तो ठीक है। ओके ओके ठीक है। यस यस हाँ वो आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद तन यू कैन से कि प्रॉब्लम है, तो इसका आप वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम नजर आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, D1 से भी नजर आ रही है इसकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, और यहाँ से भी इसकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये दिक्कत है। सर D9 के सप्तम भाव का स्वामी अगर 6-8-12 हो जाए तो? हाँ तो वो भी गड़बड़ है ना, वो भी पकड़ लें सर सप्तम भाव D9 के। हाँ के सप्तम भाव छठे में ही पड़ा है ना, नहीं, छठे में ही है ना, नहीं राशि की बात कर रहा हूँ सर, जैसे हमने लगन के हमने पकड़ा के मेष है, तो मेष 6-8-12 का स्वामी नहीं है D1 के अंदर, D9 का सप्तम भाव जैसे तुला हो गया सर, अगर ये भी 6-8-12 होता तो भी उसको हम कंसिडर कर लें कि वो नहीं, 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 उसको नहीं, उसको नहीं, देखिए केवल D1 का जो लगन है उसको देखना है, और सप्तम भाव से जो आपका सातवां भाव है कारक से सातवां भाव उसकी राशि को देखना है। D1 के लगन की राशि D1 के 6-8-12 की राशि नहीं होनी चाहिए, कारक से सप्तम की राशि D1 के 6-8-12 की राशि नहीं होनी चाहिए। ओके सर, ये दो चीज आपने चेक करनी है। ठीक है ये रिकॉर्डिंग सुनिए जरा इसको, एक आध बार ढंग से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम हृदय रंजन जी वाली पत्रिका भी ले लेंगे वो ठीक रहेगी, या अभी अगर आपका टाइम हो तो ले सकते हैं, अभी थोड़ा देख सकते हैं, ले लेते हैं सर, ले लेते हैं, चलो मैं तो थोड़ा फ्री हूँ, मैं तो कोई सी बात नहीं है, ले लीजिए, ले लीजिए, थैंक यू सर, वी आल्सो कैन थिंक। सर जो D7 चार्ट है, हाँ, वो किसके लिए होता है सर? वो बच्चों के लिए होता है, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक। हाँ रंजन जी बोलिए। थर्ड सितंबर 1987
टाइम है 8:07 सुबह। उड़ीसा? हाँ सर, गंजाम, GANJAM, गंजाम। ये रहा सर, हाँ ला, ये रहा, ये कुंडली है। हाँ सर। इसमें क्या चीज पूछना चाहते हैं आप? सर जो बुद्धादित्य राजयोग था, सर ये एक्चुअली मेरा छोटा भाई का कुंडली है। हाँ। उसमें देखिए सर, मर्क्यूरी, वीनस, सन एंड मार्स चारों जो है 12th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर बुद्धादित्य राजयोग बन पा रहा है सर? नहीं, 15 डिग्री का नहीं ना, फिर डिफरेंस कहाँ है? सूर्य 16.23 है और मर्क्यूरी 28.50 है, तो अस्त हो गया ना बुध। एम आई करेक्ट? हाँ, सही है सर। होना चाहिए सर, ये भी है, और प्लस ये केंद्र और त्रिकोण में होगा तो ही पावरफुल है। 12th हाँ, 12वें भाव में इतना पावरफुल नहीं रहता ये। एक सेकंड आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं जरा, एक मेरा फोन आ रहा है, बात कर लेता हूँ, आप लोग डिस्कस कीजिए इतनी देर। यस सर। ये एक्चुअली बॉम्बे IIT से पास आउट है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सा ऐसे योग है जो कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा अच्छा किए हो। क्योंकि इसका सूर्य अपनी ही राशि में पड़ा है, देखिए 5 नंबर राशि में सूर्य है, तो आदमी विद्वान है। ओके। इसका एजुकेशन का बेस्ट रीजन ये है कि सूर्य इसका अपने घर में। ओके। जुपिटर एंड मून अगर देखा जाए वो भी 5th and 9th एक्सिस में है। जुपिटर इसका है मंगल के 8th हाउस में, रेट्रोग्रेड। 8th हाउस में, यस। शनि की अपने हाउस पे जो है तीसरी दृष्टि है D1 में। एजुकेशन हाउस पे शनि की अपनी दृष्टि है ना एजुकेशन पे। हाँ, तो वो सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो इसको विद्या को सपोर्ट कर रहा था हायर एजुकेशन के लिए। वीनस है, वीनस 9th का लॉर्ड। 9th का लॉर्ड वीनस है, 9th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड एक ही कंजक्शन में, और 8th का भी बनता है और 3rd का भी बनता है। तो यहाँ पर तो कंबस्ट हो रहे हैं सब, कंबस्ट हो रहे हैं, लेकिन सूर्य इफेक्टिव है, सूर्य अपना काम कर रहा है। सूर्य जो है ना अपनी राशि का ना, तो सूर्य बहुत स्ट्रांग हो गया राशि में है ना, वो तो अपने वहाँ का जो इसको बाहर आउट ऑफ इंडिया का भी इसको है चांसेस। नहीं, ये USA में सेटल है अभी। हाँ, तो होगा ही, पक्का ही होगा, क्योंकि इसका वो बता रहा है 5 मतलब 12वां घर ना, और अच्छी लाइफ जी रहा होगा वो। मतलब हमको देख के कष्ट लग रहा है, मगर उसको इतना फीलिंग्स नहीं रहता है, हार्ड वर्क ही है। हार्ड वर्क लग रहा, मतलब ही इज नॉट वेल और व्हाट इज दैट? नहीं, वेल सेटल्ड है। हाँ। मगर टाइम नहीं मिल पाता है पूरा, मतलब बिजी लाइफ, बिजी स्केड्यूल, ये सब में ही। मस्ट बी ही लाइक दैट लाइफ ओनली। यस। और घर में 4th हाउस में भी जुपिटर अपने घर को देख रहा है, चंद्रमा बैठा है वहां पर। तो घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा वो, फॉरेन सेटल्ड है तो वो तो ऑब्वियसली रहेगा। अगर केतु की दृष्टि जो पड़ रही है इसमें, ये कौन सी है? 7 तो नहीं है जुपिटर में, राहु केतु तो आपने सामने है ना, फर्स्ट 9th पे पड़ती है केतु की। हाँ। फिफ्थ और 9th पे पड़ती है, पर केतु की शायद 7th दृष्टि होती है ना, फिफ्थ और 9th भी होता है, 5th और 9th, 7th तो रहता है, 5th और 9th 7th पे होती है। मैरिज तो इनका हो गया होगा, 57 बर्थ है। हेलो,
हाँ, सुन रहा हूँ मैं। मैरिज मैरिज हेलो मैरिज के बारे में इनका शादी मैरिज अभी December 9th को हुआ, अभी रिसेंटली हुआ, डिले हुआ इसलिए क्योंकि राहु केतु एक्सिस है, एक्सिस है और जुपिटर भी रेट्रो है तो उनका पिछले घर को भी संबंध बना रहे और सेवंथ का लॉर्ड भी है ना। हाँ सेवंथ का लॉर्ड और एट्थ में चला गया। एट्थ में चला गया और मंगल की दृष्टि है सेवंथ के ऊपर, तो इस वजह से मंगल भी डिले करता है ना, डिले का कारक है, डिले का कारक है, डिले करता है। ये मांगलिक है ना, बार मांगलिक, मांगलिक है तो मांगलिक है पूरा, तो लेट ही शादी होनी थी। नहीं सर ने भी एक चीज बोले थे जो कि मंगलदेव कर्क राशि में, सिंह राशि में और स्वराशि में अगर रहते हैं तो मांगलिक जो रहता है उसमें थोड़े तो कम मजा आता है। अच्छा एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो मैं पढ़ा था कि मंगल में अगर उस घर का स्वामी हो जाए या उच्च की राशि हो जाए तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। जैसे मंगल फिफ्थ की राशि में बैठा है और सूर्य वहीं पे बैठा है तो हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है तो उसमें मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं यूट्यूब वीडियो वगैरह में देखा था कि 6-8-12 में हो तो फिर वो शायद नहीं होता है ऐसा भी। नहीं पराशर संहिता में भी लिखा है कहीं कई जगह, सर से डिस्कशन कर लूंगा, मैंने पढ़ा था अभी यूट्यूब में तो इतना नहीं जाता हूँ मैं। अगर कर्क राशि का चंद्रमा हो, सॉरी कर्क राशि का अगर मंगलदेव हो तो वो नीच का हो जाता है, वहां पर उनका प्रभाव जो है कम हो जाता है और खुद के राशि में दोष तो नहीं होते, वो एक योग कारक भी हो जाते हैं और सूर्यदेव की राशि में, मित्र की राशि में, सिंह राशि में, ये चारों राशि में मांगलिक दोष जो है कहीं ना कहीं कम इफेक्ट, इवन की प्रैक्टिकल कुंडली में भी मैंने देखा। मैं सर से भी वही चीज डिस्कशन करने वाला था। पर ये अभी जैसे अभी अब्रॉड चले गए उसका रीजन ये है कि इसका शुक्र 12वें में पड़ा है। हाँ शुक्र लग रहे कि जो दृष्टि भी नहीं लग रही थी, शनि की दृष्टि है ना 12वीं 10वीं दृष्टि, इवन के एब्रॉड में यूएसए में भी ये पढ़ाई नहीं, लग्नेश भी 12वीं में चला गया ना, लग्नेश भी 12वीं में चला गया, तो 12वीं में चला गया वो भी। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और ये पायलटिंग भी किया यूएसए से, तो ये दोनों चीज भी हमको फाइंड आउट करना है तो किस प्लैनेट के वजह से ये सब किया वो। जुपिटर 8वें स्थान पे ये भी कराता है। ओके वो साइंस वगैरह में ना इनको। हाँ नहीं जो शनि शनि है ना, शनि टेक्निकल एजुकेशन का लोड माना जाता है ना, शनि टेक्निकल एजुकेशन के लिए माना जाता है। शनि एक्चुअली मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इनका इसका इनका दो तीन चीजें बहुत अच्छा, शनि इसका अपनी राशि मतलब 8वें में, अपनी राशि में ना शनि, नहीं अपनी राशि में नहीं, नहीं नहीं ये मंगलदेव की राशि में है, मंगल की राशि में, हाँ सॉरी शनि मंगल में है। और इसमें एक ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है ना कि शनि मंगल की राशि में मंगल को देख रहा है, वो एक योग बन रहा है, जो योग है वो पावरफुल हो गया ना। हाँ शनि जो है जो 5वें का लॉर्ड है और मंगल जो है इलेक्ट्रिकल का कारक बोलते हैं मंगल देव को। सूर्य मंगल देव दोनों टेक्निकल है ना, तो दोनों साथ में इलेक्ट्रिकल अगर पर्टिकुलर बात करें ना तो मंगल देव को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, तो शनि और मंगल का रिलेशन भी बन रहा है, तो इस वजह से हो सकता है जो लाइन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और जो पायलटिंग किया वो तो फ्लाइंग क्लब में, तो उसका रीजन भी हम थोड़ा सर आगे लाइन पे। हाँ तो कुछ देखा कुंडली में आपने इसमें? हाँ सर देखिए यहाँ पर तो इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा योग कुछ है करके, फिर भी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सर IIT से और पायलटिंग भी यूएसए में किया वो फ्लाइंग क्लब से, तो ये दोनों का कैसे कारण है सर जो फ्लाइंग? देखो एक चीज हम देखते हैं जरा, 1987 की डेट ऑफ बर्थ है ना इनकी। हाँ सर, तो 1987 का डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें अगर हम 18 जोड़ देते हैं, हम ये माने कि 18 साल की उम्र में इंजीनियरिंग में गया होगा वो। हाँ सर ठीक है, तो वो आपका हाँ 2005 हो गया। हाँ, 2005 में उसकी एंट्री हुई होगी तो 2005 में दशा देखिए क्या थी। हाँ
सर सूर्य का, सूर्य का दशा थी, ठीक है ना। 2005 में सर इसमें शुक्र में केतु, नहीं नहीं कहा है, सूर्य में बुध की दशा थी, बुध की, बुध 2008 में आ गया हूँ। हाँ 2008 में सूर्य आया, ये कब गया है, मतलब वहां पे आईआईटी में जरा बता सकते हैं आप? सर 18 साल हुआ था, 18-19 साल शायद, तो 2005 सात में गया होगा ना, 5-6-7 में। देखिए हाँ, अगर साथ में गया है तो सिंपल सिद्धांत है कि जिस समय बच्चा एग्जाम दे रहा है उस समय अगर दशा अपनी ओर खींचती है, ये ध्यान रखिए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, जो कर्म भाव फल पढ़ाऊंगा मेरा नेक्स्ट क्लास में, शायद कर्म भाव फल ही है चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसके अंदर बताऊंगा कि कर्म हम कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोफेशन कैसे डिसाइड करते हैं, दसवें भाव से कैसे डिसाइड करते हैं, दसवें भाव का स्वामी किस नवांश में गया है, उस नवांश वाले ग्रह से कैसे डिसाइड करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तीन चीजें इसके अंदर बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। पहली चीज के सूर्य, बुध और लग्नेश, ये मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। इन तीनों को देखते हैं कि षडबल में सबसे बली कौन है, उसके बाद देखते हैं कि उससे दसवें हाउस में कौन है, दसवें हाउस में जो राशि हो उसका स्वामी देखते हैं कि नवांश में किस राशि में गया है, किसकी राशि में गया है, उस ग्रह से संबंधित वो नौकरी कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जिस समय वो एग्जाम दिया उसने, जिस समय वो प्रोफेशनल कोर्स में गया, उस समय कौन सी दशा चल रही थी, अगर क्रूर ग्रह की दशा चल रही थी तो टेक्निकल कोर्स करेगा, अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही थी तो नॉन टेक्निकल कोर्स करेगा। तो वीनस में केतु की दशा थी तो वीनस में केतु की दशा होने से टेक्निकल कोर्स उसने किया, यहां तक तो क्लियर हो गया इसका सारा। और कुजवत केतु, मंगल के हिसाब से केतु होता है तो मंगल जो है इलेक्ट्रिकल को भी शो करता है, तो मंगल के हिसाब से इसका वो हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड में हो गया, ये तो इसका आता है कि ये इंजीनियरिंग साइड में गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड में गया, चूंकि मंगल इसका, केतु और मंगल दोनों एक ही भाव गिने जाते हैं, कुजवत मंगल केतु माना जाता है। और 2012 में सर, 2012 में, 2005 में ही गया था वो इसमें आईआईटी में, एंड 2012 में फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन किया था वो यूएसए में। अब सूर्य में बुध और बुध में शनि चल रहा था, आपका सूर्य में बुध चला, हाँ, और बुध में शनि, कंप्लीट सीपीएल कंप्लीट किया था तभी, कमर्शियल पायलटिंग लाइसेंस 2013 में शायद कंप्लीट हुआ, 13 एंड में। नहीं देखिए वो तो क्या है, वो चीज तो मतलब बेसिकली प्रोफेशन तो उसका एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है ना। हाँ सर, हाँ प्रोफेशन, हम प्रोफेशन देख रहे हैं तो प्रोफेशन एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बाकी तो उसका शौक है, उसने शौक के लिए किया ये सब चीजें, अपने उसका इंटरेस्ट है वो एक चीज अलग है, लेकिन प्रोफेशन देखने के लिए मैंने आपको वही चीज बताई कि ये देखना है कि आपको एक तो किस दशा में उसका एडमिशन हुआ, किस दशा में एडमिशन हुआ, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह, सबसे बलशाली ग्रह कौन सा है, वो खींच के ले जाता है अपनी ओर। मैं जो प्रोफेशन भाव आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा ठीक से, तो मेरे ख्याल से जब तक आप इंतजार कीजिए, अगली क्लास हमारी प्रोफेशन भाव की है, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब इसी कुंडली को दोबारा से एक बार ले लेंगे और फिर इसका प्रोफेशन भाव स्टडी करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, हाँ तब आपको समझ में ठीक से आएगा, अभी मैं कुछ बताऊंगा आधी चीज तो फिर वो फायदा कुछ नहीं होगा इस चीज का। ओके सर, ओके, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो प्रोफेशन भाव के ऊपर होगी, वो ध्यान रखिए। तो कैसे हम लोग प्रोफेशन डिसाइड करते हैं, कैसे किस ग्रह से क्या प्रोफेशन देखते हैं, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। हाँ इसको याद रखिए और बाकी जो मैंने बताया जितना रिकॉर्डिंग उसका देख के उसको याद करने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर इस पे सर एक क्वेश्चन छोटा सा है। हाँ बोलो। जैसे सर पंचम भाव में जो प्लैनेट की राशि होती है उससे एजुकेशन का नहीं पता चलता किस फील्ड में जाएगा? हाँ बेटा, मैं आपको अभी प्रोफेशन भाव समझाऊंगा ना, जी जी, उसके अंदर ही सब चीज बताऊंगा, ये वाली उसके अंदर है सब चीजें ऑलरेडी। ठीक ठीक है सर, ठीक है ना,
वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, किस फील्ड में जाएगा, कैसे जाएगा, सब चीजें बताऊंगा आपको। आप इनको चिंता मत कीजिए वाली। हाँ, कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने आज पूछा है तो सब आपको समझ में आ गया। मैंने देखा कि आप मोस्टली कुंडली को ठीक एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समय लगेगा, और दो चार कुंडली हम लोग एनालाइज करेंगे तो आप एनालाइज करना पूरा सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपने नवांश चार्ट पढ़ना सीखा, जिस तरीके से नवांश चार्ट पढ़ते हैं उसी तरीके से बाकी चार्ट भी पढ़े जाते हैं। आगे वर्क चार्ट और आएंगे, D10 आएगा, D7 आएगा, उनको पढ़ने का तरीका भी वही होता है कि लगन देखिए, सप्तम भाव देखिए, कारक देखिए, कारक से सप्तम देखिए, ये सब चीजें देखने वाली इसके अंदर चीज होती है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनने के बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे प्रोफेशन भाव के फल हम बढ़ेंगे कि किन ग्रहों से क्या प्रोफेशन हम लोग देखते हैं और प्रोफेशन को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं मोटा मोटा, वो हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए विदा लेते हैं, सैटरडे मिलेंगे। नमस्ते और सर। नमस्कार, संडे को फिर हम लोग कुंडली एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, 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 नमस्कार।